माँ मेरी ओ माँ मेरी तुझसे सारा जहां ओ माँ मेरी तुझसे सारा जहां मेरी आँखों से ओझल हो तू मेरी आँखों से ओझल हो तू कभी आए ना ऐसा समा ओ माँ मेरी तुझसे सारा जहाँ ओ माँ मेरी हर दुख उठाए लोरी सुनाए गा गा के लोरी सुनाती है माँ गीले में सोए सूखे सुलाए हंस हंस के हर गम छुपाती है माँ हर गम उठाए फिर भी हंसाए गा गा के लोरी सुनाती है माँ तू यहाँ है माँ तू वहाँ है माँ उससे पूछो जिनके नहीं है माँ तू यहाँ है माँ तू वहाँ है माँ उनसे पूछो जिनके ना है माँ इन्हें कैसे रहो तन्हा ओ माँ मेरी मनवा सूरज अच्छा सो विश्वेन और देवा अवसागमान्या भद्रं कर्णे भी श्रृणयाम देवा भद्रं वसे माक्षभिर्या जद्राः स्थिरैर जद्रा नशकरा जर संतनो नाम बुद्रासो जद्रा पितरो भवन्ति महानो मदयारेरिखतायुर्गन्तो अदेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समी ॐ सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु ॐ इदं विष्णोर्बीजग्रामे त्रेधा निधदे पदं समोढमस्या पाग्गुं सुरे स्वाहा ॐ ब्रह्मा जिज्ञानां प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो नवेन आवह सावधन्या उपमा अस्य विष्टाः सदस्य जो निम सदस्य विवाह है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम भेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम ये
यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करनी ये दुख हरनी जी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती बोली वक्य बिहारीलाल की राजनम समर्पयामि श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः जलेन शीतलीकरणम् आत्मैविदे श्री व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः ततो द्रव्यदक्षिणाम् ओम जद्दत्तम् जत्परादानम् जत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवे गुणोद्दता जो भक्त आना चाहे भैया एक एक करके आए बस श्री महाराज जी को माल्या अर्पण करें आशीर्वाद लें उसके बाद कथा प्रारंभ हो श्री महाराज के श्रीमुख से भगवान चौड़ों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहें श्री रामचंद्र केसरवानी के छोटे भाई ज्ञान केसरवानी श्री महाराज जी को माल्यार्पण किए भगवान चौड़ में क्यों रुपए का चढ़ाव किए श्री शंभुनाथ के सर्वानी प्रतिदिन श्री महाराज जी को माल्यार्पण के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं भगवान चौड़ों में अपना स्वागत करें देखिए भैया सारे भक्त भाव से श्री महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं आज पांचवें दिन की कथा में उपस्थित हो कृपा के पात्र बने अब श्री महाराज जी से यहाँ प्रार्थना यहाँ उपस्थित समस्त भक्तों को श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा से आनंदित करें जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे हरि ओम धेयं सदा परिभवग्नभीष्टिन्दं वंशी विभूषित कराय नवनीरदाभा
पीतांबरा दरुण बिंब फलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर पार ब्रह्म जगन नियंता जगदाधार करुणालय वरुणालय सरकार मेरे परम आराध्य यशोदा नंदनंदन श्री राधा कृष्ण भगवान भगवंत की कथा के सबसे बड़े रसिया प्रभु के अनन्य भक्त अनंत बलवंत गुणवंत ज्ञानवंत ध्यानवंत संत शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले सबके दुख को दूर करने वाले ऐसे देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सबके हृदय तिमिर को नष्ट कर उसमें ज्ञान का दिव्य ज्योत प्रज्वलित करने वाले ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धे श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में निर्मल शरण का कोटि कोटि प्रणाम दूर दूर से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बच्चों इस कथा के मुख्य यजमान श्री वसंतलाल जी केसरवानी मंचस्थ संत वृंद व कलाकार वृंद आइए मंच की मर्यादा का निर्वाह करते हुए दो बार परमपिता परमेश्वर का नाम लें तदुपरांत जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी भाव से कथा होगी बोलो राधे 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 सभी लोग श्रद्धा भाव से बोलेंगे बांके के नैना अरे बिहारी के नैना कर गए दिल पे टोना श्री बांके बिहारी के नैना कर गए दिल पे टोना श्री बांके बिहारी के नैना कर गए दिल पे टोना श्री बांके बिहारी के नैना कर गए दिल पे टोना श्री बांके बिहारी के नैना
बाके के नैना बिहारी के नैना, 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 कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना। हरि बोल। इन नैनों पे सब कुछ हारा, 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 बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा, 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 बिन देखे नहीं चैना। बिन देखे नहीं चैना श्री बाके बिहारी के नैना, बिन देखे नहीं चैना श्री बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के कन्हैया। ताली की सेवा भाव से। मोटे मोटे नैनों में भीना भीना कजरा, 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 प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा, 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 हो तेरी हाँ तेरी झांकी का क्या कहना श्री बाके बिहारी के नैना, झांकी का क्या कहना श्री बाके बिहारी के नैना, बाके के नैना 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 बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना,
कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना। नैन लड़े जब से बाके संग, 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 प्रेम प्रीति का ऐसा चढ़ा रंग, प्रेम प्रीति का ऐसा चढ़ा रंग, बावरा बन के रहना बावरा बन के रहना श्री बाके बिहारी के नैना, बावरा बन के रहना श्री बाके बिहारी के नैना, बावरा बन के रहना श्री बाके बिहारी के नैना, बावरा बन के रहना श्री बाके बिहारी के नैना, बाके के नैना 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 बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना, 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 बाके के नैना 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 बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना श्री बाके बिहारी के नैना, 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 बोलो बाके बिहारी लाल की श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, भगवान की वकट की मंगलमय कथा, बड़ा आनंद रहा, सब लोग खूब झूमे, खूब आनंद आया। नंद बाबा कंस के यहां जाते हैं कर देने के लिए, बोलो राधे राधे, राधे राधे। कर देने के लिए आए नंद बाबा और सोचे कि वसुदेव जी से भी मिलता चलूं। वसुदेव जी से मिलने गए, लेकिन नंद बाबा वसुदेव जी से ये नहीं बताए कि मेरे यहां लाला भयो है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वसुदेव जी दुखी थे। अगर आपका मित्र दुख में हो तो आप अपनी खुशी प्रकट ना करें। लेकिन वसुदेव जी को पता था। वसुदेव जी ने कहा, अरे नंद भैया, थारे यहां लल्ला भयो यार, मुको बतायो ना। तो नंद बाबा ने कह दियो कि भैया कैसे बताए दूं। हाँ, अहो ते देव की पुत्रा कंसेन वह वो हता, एका वशिष्ठा वर जा कन्या सापि दिवंगता। एक एक करके पापी कंस ने आपके सभी संतान मार डाले। आठवीं संतान के रूप में कन्या हुई, उसे भी नहीं छोड़ा।
भैया तू दुखी है तो मैं कैसे अपने सुख की बात बताई दो। वसुदेव जी कहते हैं भैया नंद अगर आप कर चुकता कर चुके हैं तो आप शीघ्राद शीघ्र गोकुल लौट जाएं। करोवे वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा वयम च वह नेहम स्थेयम बहुतिथम संत्युपाताश्च गोकुले। आप सीधे गोकुल लौट जाएं। बोले क्या बात है? वसुदेव जी ने कहा कि मैंने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है और मेरे ज्योतिष जे कह रहे है कि गोकुल में कोई बड़ी आपदा विपदा आवे वाली है। नंद बाबा वहां से चल पड़े और प्यारे गोकुल में देखें आपदा विपदा तो आई गई। कल आपने कथा में सुना कि जब योग माया को कंस मारने चला तो योग माया उड़ के आसमान को गई और उससे बताती है ना कि पापी तू पाप क्या छिपाएगा मोहन के हाथों मारा जाएगा। मैं तो जाती हूँ विंध्य पर्वत पर लानत है दुष्ट तेरी ताकत पर तूने बहना को रखा कारागार है करता क्यों मुझसे तकरार है। दुश्मन तुम्हारा जमुना पार है करता क्यों मुझसे तकरार है। योग माया ने कंस को ये बता दिया था कि दुश्मन तुम्हारा जमुना पार है तुझे मारने वाला आ चुका है। कंस तू बचेगा नहीं तू मरेगा। कंस को बहुत टेंशन हो गया महाराज बस मालूम पड़ जाए किसी को कि मरने वाला है तो टेंशन बहुत होता। बोलो राधे राधे और जोर से बोलो राधे राधे। टेंशन सबको बहुत है और सत्य ये भी है कोई मरना नहीं चाहता है। मरना सबको है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। और कभी मरने की बात कर दो थोड़ी सी कहीं अब कोई कुछ हाल चाल होता है अरे भैया जिंदगी कोई भरोसा है का कब मर जाए जिंदगी खमरे कोनो अरे अरे ऐसा मत बोलिए ऐसा मत बोलिए। हमेशा संसारियों ने सत्य पर पर्दा डाला है। सच ना बोलना चाहे ना सुनना चाहे कोई पूतना को भेजा कंस ने। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए बोले राजन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नती पुर ग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी छोटे बच्चों को मारने वाली है पूतना। पूतना मरी नहीं है पूतना आज भी जीवित है। हर घर में नहीं कह सकते लेकिन पास पड़ोस में हर जगह रहती है पूतना। बोले पूतना मतलब क्या है कि कौन पूतना किसे कहा जाए? जो दूसरे के पूत को ना देख सके जिसे दूसरे का पूत अच्छा ना लगे ना सुहाए जो दूसरे के पूत को ना देख सके वही है पूतना। पूतना आई बंठन के आई नकली रूप बना के आई। बोलो राधे राधे। ये नकली रूप बना के आई हाथ में कमल का फूल कमल नाल घुमाती बल खाती इठलाती छम छम करती नकली रूप बना के आई। बहुत सुंदर रूप बनाया है। जब नकली रूप ही बनाना तो क्या खराब रूप बनाना बढ़िया बनाना।
जब गोकुल में प्रवेश करती है, गोकुल के समस्त नर नारी देख करके मोहित हो जाते हैं कि हे भगवान कितनी सुंदर है ये। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी धरती पर उतर आई हो। पूतना पहुंची नंद भवन, जसोदा मैया बैठी थी। पूतना ने कहा, अरे जसोदा बहन बधाई हो। जसोदा मैया ने कहा, बेना तुझे भी बधाई हो। तुम सबन को आशीर्वाद से या 80 साल की उम्र में मोको लाला भयो है बेना, तुम सबन को भी बधाई हो। अब पूतना ने कह दिया, अरे बेना मोको पहचानो ना है का। अब बूढ़ी जसोदा ऐसो करके देखे, ये बेना कछु कछु लगे कि कबहू मिले हैं पर ठीक से ना पहचान पाऊं। पूतना ने कहा, जेलो, अरे हम कितनी बार मिल चुके हैं बहना, पड़ोस गांव ते आई मैं। अच्छा अच्छा, अभी आप भी किसी को अचानक में बोल दो, अरे भैया प्रणाम, तो कहेगा भैया प्रणाम। अब पहचान नहीं रहा आपको, आप कह दीजिए नहीं पहचान रहे क्या आपको आप, तब सोचेगा कि लगता है कहीं मिले हैं तभी तो ऐसे बोल रहा है। तो आप कहो कि भैया थोड़ा थोड़ा चेहरे से लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा, झूठे बोलना पड़ेगा आपको। बोले राधे राधे, राधे राधे। पूतना ने कहा, अरे बहन जसोदा मोको पतो चलो थारे लल्ला भयो है, मोको ऐसो वरदान मिलो है, जा बच्चे को मैं अपना दूध पिवाई दूं, आ बच्चे की उमरिया लंबी है जाती। जसोदा मैया खुश हो गई, वारी बेना तेने बड़ी कृपा करी, वो देख पालने में मेरो लाला सोयो है, वा को अपनो दूध पिवाए दे और वा की उमरिया लंबी है जाए। पूतना चल पड़ी भगवान पालने में। भगवान ने विचार किया, अल्लो मेरे दूध पीवे के दिन पूतना मौसी जहर पिलावे आए गई, ये पूतना जो है ना राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। जब बामन भगवान राजा बलि के यहां आए थे ना, तो बामन भगवान के रूप को देख के बहुत गदगद हो गई और रत्नमाला विचार करती है कि अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं उसे अपना दूध पिलाती। भगवान भाव को स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार कर लिया कि चलो समय आएगा तो दूध पिलाने का अवसर मिलेगा। जब भगवान ने राजा बलि को छल लिया तब रत्नमाला को बहुत क्रोध आया और रत्नमाला ने कहा, अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं उसे विष पिला देती। भगवान ने मन ही मन ये भी स्वीकारा कि ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। यही रत्नमाला बनी है पूतना। आई भगवान ने विचार किया, लो दूध पीवे के दिन मौसी जी आ गई जहर पिलाने। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो राधे राधे, राधे राधे। आंखें बंद कर ली कन्हैया ने। कछु लोग पूछे, आंखें बंद काहे कर ली, शर्मा रहे थे का? अरे भैया भगवान के आंख बंद करने के बहुत से कारण संत बतलाते हैं। जैसे पहला कारण, पूतना बाल घातिनी। पूतना छोटे बच्चों को मारने वाली है, ये पापन है। भगवान ने सोचा इस पापन को देखने से क्या फायदा, इसको देखने से भी पाप लगेगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण भगवान की आंख बंद करने का, भगवान ने सोचा कि अगर इस पर मेरी नजर पड़ जाएगी तो ये मेरी भगत हो जाएगी और जो कार्य करने आई है वो नहीं कर पाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि जिस उद्देश्य से आई है उससे विमुख हो जाए, अपना काम पूरा करके जाए। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ को याद किया होगा।
भोलेनाथ जल्दी आओ जल्दी आओ। भोलेनाथ ने पूछा होगा, अरे क्या बात है भैया? भगवान ने कहा होगा, देखो देखो मौसी हमें विष पिलाने आई हैं और जानते हो कि मैं विष पीता नहीं हूँ, विष पीने का काम आपका, तो आप जल्दी आओ, विष विष आप पी लो, दूध दूध मैं पी लेता हूँ, आओ। बोले शंकर भगवान की जय हो। कारण कुछ भी रहा, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। पूतना आई, कन्हैया को गोदी में उठाई, अपना कालकूट लगा, स्तन कन्हैया के मुख में डाल दिया। कन्हैया दूध पीने लगे। अब पूतना बार बार देखे, अब मरेगो तब मरेगो, अब मरेगो तब मरेगो। लेकिन भगवान तो खिलखिला के हंस रहे हैं और दूध पिए जा रहे हैं। पीते पीते भगवान पूतना के प्राण खींचने लगे। अरे पूतना ने कहा, छोड़ 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 छोड़। भगवान खिलखिल खिलखिल करके हंस पड़े और भगवान मन ही मन बोलते हैं, अरे मौसी मेरी बड़ी खराब आदत है रे, वैसो तो मैं काहू को पकड़ू ना है, जाको पकड़ ले तो कहूं छोड़ू ना है मौसी, अब तुझे पकड़ लिया तो कैसे छोड़ दो मौसी। भगवान जब पूतना के प्राण खींचने लगे तब पूतना अपने असली रूप में आ गई और भगवान को ले उड़ी मथुरा की तरफ। भगवान ने पूतना के प्राण ही खींच लिए और पूतना गिरी धड़ो, पीठ के बल गिरी, पीठ के बल गिरी। अच्छा हुआ कि पेट के बल नहीं गिरी, नहीं तो क्या होता आप खुद समझ जाएंगे। पूतना कितनी लंबी थी? बोले 18 किलोमीटर की थी पूतना। कितनी? 6 कोस। 18 किलोमीटर की थी पूरी पूरी। तो अगर पेट के बल गिरती तो भगवान भी दब जाते नीचे, लेकिन अच्छा हुआ पेट के बल गिरी। बड़े बड़े वृक्ष टूट गए महाराज, बहुत जोर की आवाज भाई, सारे गोपाल सारी गोपियां जसोदा मैया दौड़ के सब पहुंचे तो देखे कन्हैया पूतना के पेट पे खेल रहे थे। सीढ़ी लगा के भगवान को उतारा गया। उसी समय नंद बाबा आए, बोले राधे 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 राधे। उसी समय नंद बाबा का भी आगमन हुआ और नंद बाबा ने देखा, अरे वाह वसुदेव जी सच बोले, ये तो आपदा विपदा आ ही गई। बोलो राधे 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 राधे। देखिए हमारे आपके बीच पंडित मनोज त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य मुन्ना महाराज पूरे दलबल के साथ आए हैं, स्वागत है आपका व्यास मंच से। वैसे आप भी व्यास मंच पे ही आके बैठते तो शोभा और बढ़ जाती। आइए मेरा जी, बड़ा स्नेह रहता है, कहीं भी कथाएं होती हैं तो अवश्य पहुंचते हैं। आपका ज्योतिष बहुत प्रबल है, ज्योतिष की चर्चे यहाँ तो कम, हमने तो देखा है गुजरात में अधिक है। बोलो राधे राधे। प्यारे पूतना के शरीर को काटा गया और काट काट करके जगह जगह जलाया गया। अब 18 किलोमीटर की पूतना इकट्ठे कैसे जलाई जाती, उसे काट काट कर जलाया गया। और जब पूतना का शरीर जलने लगा तो दुर्गंध नहीं आ रही थी, उसमें से दिव्य सुगंध निकल रही थी। आप लोग बताइए, किसी का शरीर जलता है जब तो दुर्गंध आती कि सुगंध? बहुत दुर्गंध आती है, लेकिन सुगंध निकल रही थी। बोले क्या कारण था? अरे भैया जिसके शरीर को स्वयं भगवान ने छू दिया हो, स्पर्श कर दिया हो, उसके तन की सुगंध चारों तरफ तो बिखरेगी ही। प्यारे बिखरेगी ही ना, ताली धीरे धीरे बजा ना, कहीं प्रयाग से लोग ना आ जाए कथा सुनने।
कंस की एक मिसाइल फेल गई। फिर कंस ने दूसरी मिसाइल छोड़ी। अब की बार भेजा शटक भंजन को, अदृश्य रूप में आया शटक भंजन। नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है, माताएं नाच गान कर रही। कन्हैया को छकड़े के नीचे पालने में लिटाया गया। छकड़ा मतलब बैलगाड़ी। अब तो बच्चों को यह भी पता नहीं चलेगा कि बैलगाड़ी क्या होती है। घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी, धीरे धीरे अभी बच्चे तो कहीं चर्चा होगी तो कहेंगे ये कौन गाड़ी होती है, ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। बैलगाड़ी के नीचे शटक भंजन आया। इधर भगवान श्री कृष्ण पालने में रो रहे कि ये देखो मेरे आने की खुशी में लोग नाच गान कर रही हैं और मुझे दूर रखा है, कम से कम मुझे ले चलती, मैं भी देखता, लेकिन इनको देखो ये नाच गान कर रही हैं और हमसे दूर। लेकिन नाचने गाने के चक्कर में किसी ने कन्हैया की आवाज सुनी नहीं, किसी ने भी कन्हैया की आवाज नहीं सुनी। शटक भंजन आया और वो बैलगाड़ी को ही नीचे दबाता गया। जब बैलगाड़ी बिल्कुल पालने पे आ गई, भगवान श्री कृष्ण ने एक लात मार दिया बैलगाड़ी पे और बैलगाड़ी हवा में उड़ती हुई गई, गिरी धड़ाम से, चकनाचूर हो गई। जब जोर की आवाज हुई, जशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखी लाला तो ठीक है। ए श्रीदामा, अरे मधुमंगल। हाँ मैया, ये बैलगाड़ी हवा में कैसे उड़ गई? मैया ब्राह्मण को छोरा हूं, चुटिया की कसम खाए के बोलू, ये तेरे लाला ने ऐसी लात मार दी कि बैलगाड़ी हवा में उड़ गई। जसोदा मैया ने कहा, बे जारे दाढ़ी के, वे इतने भांग पीरा की है का? नेक मेरे छोटो सो लाला, जे बैलगाड़ी हवा में कैसे उड़ाए दे। अब तन सखा मन सखा श्रीदामा मधुमंगल सब बोले, मैया तो विश्वास ना करे। इस प्रकार से भगवान ने शटक भंजन का उद्धार किया। एक दिन जसोदा मैया कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी, कछु मंगल गीत गाय रही थी, गुनगुनाए रही थी और दुग्ध पान कराए रही थी। कंस ने भेजा आपकी बार तृणावर्त को। गर्मियों के दिनों में देखा होगा गोल गोल चक्रवात के रूप में चलता है, क्या बोलते उसको, बवंडर। बवंडर उस रूप में भेजा। भगवान को आभास हो गया, क्यों हो मामा ने अब की बेरी हमनताई उड़न खटोला भेजो, अब या की सवारी कैसे करूं। मैया तो मोते ही तो प्यार करे कि मोको नीचे ना छोड़े। जसोदा मैया दूध पिवाई रही थी, भगवान ने किया क्या, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जसोदा मैया कन्हैया को दूध पिवाई रही थी, वजन बढ़ने लगा, तो मैया सोची थी वजन इतना कहां से आ गया, उठावे तो लाला उठे ना। मैया ने नीचे धीरे से रख दी। अब सोचने लगी, हे भगवान या मैं इतना वजन कहां से आएगा, ओहो या को मैं 2 घंटे से दूध पिवाई रही हूं ना, यानी दूध ज्यादा पी लियो, या ते वजन ज्यादा हो गया। मैया कन्हैया को वहीं छोड़ के कछु काम काज में लग गई। आ गया तृणावर्त गोल गोल चक्रवात के रूप में और आया कन्हैया को ले उड़ा। भगवान ऊपर हैं, अब ऊपर से भगवान देख रहे हैं, ये राधा को घर, ये अनुराधा को घर, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये कुंज गली ये निकुंज गली। अरे चोर वही अच्छा होता है जिसे गली गली के बारे में जानकारी हो। आगे भगवान को चोरी जो करनी है। जब तृणावर्त भगवान को मथुरा की तरफ लेके जाने लगा, भगवान ने अपना वजन बहुत बढ़ा दिया। तृणावर्त बार बार पीछे पलट के देखे, हे भगवान ये बालक है कि पत्थर है। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा, वाह रे मूर्ख, मेरे भगत पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं,
मेरे भगत पत्थर में मुझे यानी भगवान के रूप में देखते हैं, और एक यह है कि भगवान को ही पत्थर समझ रहा है। भगवान ने त्रिणावर्त का भी उद्धार कर दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। चूंकि भगवान दूर पड़े, मैया उठा के ले आई, गौमूत्र तेज स्नान कराई, ब्राह्मण बुलवाए, दान किया। मैया सोचने लगी कि काय बात है कि मेरा लाला जब से भयो है कोई ना कोई आपदा विपदा जरूर आवे। शांति पाठ करवाया मैया ने, कछु खराब ग्रह चल रहे का। प्यारे धीरे धीरे भगवान एक वर्ष के हो गए। भगवान एक वर्ष के हो गए लेकिन अब तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ था, कुछ नाम नहीं रखा है भगवान ने। वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को भेजे, आप जाइए नंद भवन और मेरे दोनों बेटों का नामकरण कर दीजिए, मुझे पता है नामकरण अभी तक नहीं हुआ होगा। गर्ग है पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन गर्गाचार्य जी जो हैं यदुवंशियों के पुरोहित हैं और वसुदेव जी ने इनको भेजा। गर्गाचार्य जी आए नंद भवन, नंद बाबा ने देखा कि संत भगवान आए हैं, थाल में जल लेकर के पांव पखारा, उस जल को पूरे घर में छिड़क दिया, घर पवित्र हो गया। हमारे यहां की परंपरा रही है, हमारे घर जब संत भगवान आते हैं तो हम थाल में जल लेकर के उनका पांव पखार लेते हैं, गुरुदेव भगवान आए हैं तो चरणामृत पान कर लेते हैं, उस जल को पूरे घर में छिड़क देते हैं, घर पवित्र हो जाता है। बूढ़ी माताएं तो अब भी थाली लेके दौड़ती हैं, गुरु जी आए गुरु जी आए, पर ये नई नवेली बहुए नाक सिकोड़ती, बाबा पता नहीं कहां कहां चल के आया होगा, पता नहीं कहां। बोलने की आदत थोड़ी खराब है हमारी, कहीं कहीं कुछ ज्यादा निकल जाता है, अपने निकल जाता है, अब जो निकल गया सो निकल गया, उसको कहां से पकड़ा जा सकता। बस्ती जिले में कथा चल रही थी, श्री राम कथा का आयोजन था वहां, और सती अनुसुईया प्रसंग में मेरे मुंह से निकल गया, हर पत्नी को चाहिए अपने पति का पांव धो के पिया करे। इतना सुनना था कि एक मैया खड़ी हो गई, ए बाबा का बोल रहे हो। तब हमको भी लगा कि कुछ गलत निकल गया, क्या से मैया हमने कुछ गलत कहा का? बोली नहीं, आप सब तो बड़े चालाक होते हैं, कुछ गलत भी कहेंगे तो उसको भी सही सिद्ध कर देंगे। हमने कहा तो बताओ, अभी अभी जो आपने कहा हम भूल गए, हम क्या कहे मैया बताओ। तो मंच पे चली आई, कहीं बाबा जो आपने कहा अभी पैर धो के पीने के लिए, हमने कहा चपति का पांव धो के पीने के लिए, बोली हाँ। तो हमने कहा तब कहीं बाबा समस्या खड़ी हो गई हमारे सामने। हमने कहा क्या हुआ, कहीं महाराज आप जितनी बात बताते हैं मैं प्रयास करती हूं सबका पालन करने के लिए और करती भी हूं, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या है। हमने कहा क्या समस्या है, कहीं महाराज हमारे जो वो है ना वो, हम कहे वो क्या होता है माता जी, कहीं आप ही मना करते हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए उनका। हम कहे पतिदेव, कहीं हाँ, हम कहे चलो अच्छा है, अब कोई कहेगा वो तो हम समझ जाएंगे वो माने पतिदेव। क्या हुआ आपके ओ को, कहीं महाराज हमारे जो वो है ना, महाराज किसी से कहिएगा मत, हाथ जोड़ती हूँ लोग हंसेंगे। हमने कहा बताइए, कहीं वो ठंडी में चार महीना नहीबे नहीं करते, एक एक पौआ मिट्टी लगी रहती है पैर में, अब बताओ क्या करूं। अब हम भी सोचे कि सही बात, जब इतनी माटी लगी रहेगी तो बिचारी कैसे पैर धो के पिएगी। अचानक से भगवान की कृपा, हमको बचपने की बात याद आ गई, जब रामायण सीरियल आता था
गांव में टीवी बहुत कम हुआ करती थी, लोग दूसरे दूसरे गांव में जहां भी होता था बहुत भीड़ लगती थी। उस समय लाइफ बॉय साबुन का प्रचार देखा था मैंने, याद आ गया मुझे भी। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय साबुन मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धो डाले, याद आ गया मुझे। हमने कहा माता जी लाइफ बॉय साबुन ले लेना, कहीं है घर में, वही तो लगाती हूँ। हमने कहा बहुत अच्छा है, वही ले करके पैरवा रगड़ रगड़ खुद धो लेना, जब चमकने लगे तो थोड़ा सा धो के पी लेना। कहीं बाबा बहुत अच्छी बात बताया, इतना अच्छा कोई समझाता नहीं है बाबा। हम कहे ठीक है अब जाओ माता जी। गई अभी नीचे नहीं उतरी थी, फिर पलटी, कहीं बाबा रुको 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 रुको। हम कहे अब क्या हुआ, कहीं बाबा एक बात और बताए दो। हम कहे पूछ लो जितना पूछना। कहीं बाबा महीने में 30 दिन होता है। हमने कहा होता है तो कहीं अगर 29 दिन तक मैं अपने पति का पांव धो करके पीऊं। हमने कहा मतलब, कहीं बाबा अगर 29 दिन तक मैं उनका पांव धो के पीऊं तो क्या एक दिन वो हमारा नहीं धो के पी लेंगे। हमने कहा सुपरखा बहन अब जाओ बैठो, ये उन्हीं से पूछ लेना, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। बोले राधे 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 राधे। हमारे यहां संत भगवान आवे तो नियम है उनका पांव पखारते हैं। अब बैठकर जल जलपान हुआ, नंद बाबा से कछु हाल चाल हुए लगे। गर्गाचार्य ने पूछा और नंद भैया का हाल चाल है। बस आप संतों की कृपा है, कृपा का ही फल है, या बुढ़ापे में 90 साल की अवस्था में मुको लाला भयो है। अच्छा, अरे भाई ये तो बड़ी बहुत बढ़िया बात है। तो नंद ये बता दे तेरे छोरों को नाम का है। नंद बाबा के होश उड़ गए, बोले कि बेटा 1 साल का हो गया भाई, कछु नाम तो हुआ ही नहीं उसका, नामकरण हुआ ही नहीं, कछु नामकरण नहीं हुआ। बाबा अब आप आए तो आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने कहा जाओ ले आओ, गौशाला में बैठ के नामकरण करेंगे। बोले क्यों, यदु नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, उनका पुरोहित हूं, अगर मैं आपके बच्चे का नामकरण ऐसे करूंगा सबके समक्ष, कंस को पता चल जाएगा कि ये तेरा बेटा नहीं बल्कि देवकी का बेटा है। नंद बाबा ने कहा ठीक ठीक ठीक। गए अंदर जसोदा से बोले अरे भाग्यवान क्या बात है। नंद बाबा ने कहा जल्दी कर तैयार हो जा और अपने छोरा को गोदी में ले ले, रोहिणी को भी बोल दे वो भी अपने छोरों को गोदी में लेके आवे जल्दी से गौशाला में, दोनों लाला को नामकरण होएगो। जसोदा मैया ने कहा ए बाबा काय बात कर रहे हो, मेरो लाला को नामकरण होएगो और ऐसे गौशाला में चोरी चुप्पे होएगो का। मेरो तो संकल्प है बाबा, जब मेरो लाला को नामकरण होएगो पूरे गांव जवार को भंडारा करूंगी, कई दिन तक खिलाऊंगी प्रसाद। नंद बाबा ने कहा अरे देवी तू जैसे बात कर रही है और कहीं कंस को पतो चल गयो का कम आपदा विपदा आवे का। अरे मैया डर गई, चलो बाबा आती हूं अभी आती। जसोदा मैया ने रोहिणी से कहा अरे बहना रोहिणी हाँ तूने कबहू गर्गाचार्य को नाम सुनो है का। रोहिणी ने कहा बहुत बड़े विद्वान है वो। जसोदा मैया ने कहा आज पतो चल जाएगो वो विद्वान है कि ऐसो छोटो मोटो पंडित है, विद्वान है तो भी पतो चल जाएगो। वो कैसो, देख तू मेरो लाला लेके बैठ जाइयो, मैं तेरो लाला ले लूंगी, विद्वान होएगो तो बताए देगो, ऐसे घटिया पंडित होएगो तो ना बता पाएगो। बोलो राधे 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 राधे। माताएं भी दिमाग बहुत लगाती, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं,
दिमाग लगाने वाले कथा कहाँ सुने आएंगे, तो दिमाग लगाएंगे। ऐसे कर लिया, हेरा फेरी हो गई महाराज। जसोदा ने रोहिणी के बेटे को गोद में ले लिया और रोहिणी ने जसोदा के बेटे को लेके गौशाला पहुंच गई। गर्गाचार्य जी बैठे थे। जब गर्गाचार्य जी की नजर कन्हैया पर पड़ी तो एक टकटकी लगाए देखते ही रह गए। कन्हैया ने आंखें बूढ़ी बूढ़ी की, कहा बाबा पोल पट्टी खोलेगो का? मैया ने कहा अरे नामकरण करो। जसोदा मैया बोली मेरे लाला को नामकरण तो करो। तो जसोदा की गोदी में जो लाला है गर्गाचार्य जी उनका नामकरण करते हुए बोले, अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे है आख्यासते राम इति बलादिक्याद बलम विधु। अयं ही रोहिणी पुत्रो, ये जसोदा तेरी गोदी में जो लाला है ये रोहिणी का बेटा है। जसोदा मैया रोहिणी की तरफ देख के मुस्कुराई, वारी वे ना नंबर एक को पंडित है। गर्गाचार्य ने कहा इसे बल बहुत अधिक होगा, इसलिए लोग इसे बलराम बुलाएंगे, बलदाऊ बुलाएंगे। ये हल मूसल भी धारण करेगा, हलदर भी लोग इसे बुलाएंगे। बोलो बलदाऊ भैया की जय हो। अब जो रोहिणी की गोदी में जसोदा का लाला है उसे देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा इसका नाम कृष्ण होगा, कर्ष्यतीति कृष्ण। जो सबके चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर ले वो है कृष्ण, और कृष्ण के भी चित्त को जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले वो है श्री राधा रानी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब गर्गाचार्य ने नाम रखा कृष्ण, जसोदा मैया ने मुंह बनाए, ए बाबा जेका टेणो मेड़ो नाम रखते हो, कछु ठीक ठाक नाम रखो ना, कछु ठीक ठाक। गर्गाचार्य ने कहा हमने सो नाम रख दियो मैया, अब तेरी जो इच्छा होवे सो प्यार के नाम कछु रख ले। पहले बच्चों के दो नाम हुआ करते थे, आजकल तो एक नाम हो गया बस, ठीक है अब एक ही नाम होता है ना ज्यादातर बच्चों का। पहले दो दो नाम, पहले बच्चों से जब पूछा जाता था बेटा नाम क्या है तो कहता स्कूले वाला बताई कि घरे वाला बताई, उसे भी कहां वाला नाम बता दो पूछना पड़ता था उसे, असली वाला नाम बताई कि नकली वाला नाम बताई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जसोदा मैया ने कहा बाबा जो नाम आपने रखो सो नाम तो मोते ना ले जाएगो, मैया को प्यार से कलुआ बुलाऊंगी। क्या बुलाऊंगी? कलुआ। आई जो बड़े वाले को बोल रही या को बलुआ बुलाऊंगी, कलुआ और बलुआ, कनुआ भी बुला लूंगी कलुआ भी बुला लूंगी। गर्गाचार्य जी को हंसी आ गई, ए जसोदा थारी जो मर्जी सो बुलावे पर या को असली नाम कृष्ण होवे। जसोदा मैया ने कहा बाबा एक विनती करूं, आयो हो सो भोजन करके ही जइयो। गर्गाचार्य ने कहा वो जसोदा हम थारे यहां भोजन करने को आएगा? बाबा जब लो संत को जूठन आंगन में ना गिरे, आंगन पवित्र ना होवे या ते विनती करूं बाबा। गर्गाचार्य ने कहा चल तैयारी कर, कछु सिद्ध कर लो। माताओं को जब कछु काम करना पड़े सो का करें, सबसे पहले अपने बच्चे को दूध पिवाए के उसको सुलावे ना, तो बच्चा जब काम के समय ने 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 करना शुरू करे तो माताओं को बहुत गुस्सा, इसलिए पहले बच्चों को ही संभालती हैं। जसोदा मैया ने भी कन्हैया को दूध पिलाया और आंगने में पालना था उसी पालने में डाल दिया, कन्हैया सो गए। मैया गई जमुना स्नान करें और जमुना जल मटके में भर के ले आई, गैया के गोबर ते आंगन को बढ़िया लिपाई करी, सीधा सामग्री लाए के रख दी, बाबा प्रसादी सिद्ध करो। गर्गाचार्य ने प्रसादी सिद्ध करी, एक थाल में निकाला, तुलसी दल छोड़ा, आचमन किया और हाथ जोड़ के आंख बंद करके बोले, हे गोविंद
हे गोपाल हे गोपाल आओ आओ भोग लगाओ भोग लगाओ। कन्हैया बगल कमरे में और उसमें थे पालने में बगल में ही भगवान ने सोचा मेरा भगत इतने पास से बुलावे कैसे न जाऊं। कन्हैया पहुंच गए नम 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 शुरू हो गया। जब चप 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 की आवाज सुनाई पड़ी गुर्गो चोर झुकने होरी जसोदा। अरे जसोदा दौड़ी दौड़ी कहा भयो बाबा। मैया ने सोचा कि अब कन्हैया को नहीं डांटूंगी ये बाबा श्रांप दे दे मारूंगी। अरे गर्गाचार्य ने कहा जान दे बालक है या की गलती ना है रे। अरे वैसे भी मेरो मन ना था कछु खाई भाई। जसोदा मैया रोने लगी ना बाबा फिर से आप रसोई सिद्ध करो। गर्गाचार्य ने कहा अच्छा मैं रसोई फिर से सिद्ध करूं और तेरा लाला आवे फिर से झूठा कर जावे। नहीं बाबा व्यवस्था करती हूं। अब मैया कन्हैया की एक हाथ पकड़ी घसीटे चल चल कमरे में बंद करती हूं चल। बुरा ना मानिएगा पति से झगड़ा हो जाए सास से झगड़ा हो जाए किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए कोई टेंशन हो जाए इन माताओं का इन देवियों का गुस्सा कहां टूटता है अपने बच्चे के ऊपर। सही है कि नहीं भैया इतना मारती हैं कि पूछो। बोले राधे 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 राधे। आज व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज पढ़ा बहुत अच्छा लगा। उसमें था कि अगर आज बच्चे को सब्जी नहीं पसंद आती है तो माताएं ऑप्शन देती हैं कि बोल चाउमीन बना दूं बर्गर बना दूं क्या खाएगा तू बोल सैंडविच बना दूं क्या बना दूं ऐसे होता ना सब्जी नहीं पसंद चल बोल नाश्ता बना दूं तेरे। और उसमें नीचे था कि पहले क्या था पहले सिर्फ दो ऑप्शन था सब्जी पसंद है कि नहीं पसंद है बोल तू सब्जी खाएगा कि चप्पल खाएगा। पहले यही था ना चप्पल खाएगा कि सब्जी खाएगा। अब पता चलता था कि चप्पल भी खाना पड़ता था और सब्जी भी खानी पड़ती थी। बोले राधे राधे राधे। अब ऑप्शन ज्यादा हो गए पहले यही दो ऑप्शन था और दोनों ही लागू हो जाता था। मैया कन्हैया को घसीटते ले गई कमरे में सिकड़ी लगाई ताला बंद कर दिया देखी पकड़ के हाँ खुला तो नहीं है इसी में रह तू लो बाबा चाबी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए वारी मेरी भोरी मैया। जब कंस मामा को सात सात ताला मोको ना रोक पायो तो तेरो एक ताला कहां से रोक पाएगो। फिर से व्यवस्था करी मैया ने और जब बहुत जल्दी होवे तो माताएं का बनावे जल्दी हो तो क्या बना देती है खिचड़ी आजकल तो मैगी बोलती है माताएं मैगी खिचड़ी। गर्गाचार्य ने सोचा यार घर में घी की कमी तो है ना बढ़िया खिचड़ी बनाओ ढेर सारा घी डाल के नम 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 हो जाएगा जल्दी भी हो जाएगा। गर्गाचार्य जी ने खिचड़ी सिद्ध कर ली और चाबी जो थी कम की उसे पैर के नीचे बढ़िया से दबा दिया पैर के नीचे उसको दबाया निकाला थाल में खिचड़ी घी छोड़ दिया और तुलसी दल छोड़ा आचमन किया हाथ जोड़ के हे गोविंद आओ हे गोविंद आओ। आंख खोल के देखे आया तो नहीं ताला बंद चाबी ठीक है। अब घटना घटी थी डर लगभग करता है हाँ दूध से जली बिल्ली माठा भी फूक फूक के पीती है एक बार धोखा हुआ है तो। फिर बोले हे केशव आओ हे केशव आओ भोग लगाओ भोग लगाओ। फिर देखे आया तो ताला बंद चाबी हाँ है अब समझ गए कि नहीं आएगा अब नहीं आएगा। देखो भोग लगाने के भी नियम होते हैं
आजकल तो जल्दी जल्दी में बस भगवान को दिखाओगे जय खा जा। जितनी देर तू बैठ के भोजन पाता है कम से कम उतनी देर थाल ठाकुर जी के सामने होनी चाहिए। अब वो तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू आधे घंटे तक खाता है कि 10 मिनट में खा के उठ जाता है कि 1 मिनट में खा के उठ जाता है। पर नियम यही है कि जितनी देर तू बैठ के प्रेम से प्रसाद पाता है उतनी देर तक थाली ठाकुर जी के सामने होनी चाहिए। तो गर्गाचार्य जी भी उसी भाव से भोग लगा रहे। अब आंख बंद करके प्रभु आइए भोग लगाइए। एक बार मामला बिगड़ चुका है, हमें भूख बहुत तेज लगी है, जल्दी। अब कन्हैया कमरे में नाराज, नहीं आऊंगा, कितना भी बुलावे नहीं आऊंगा। पर गर्गाचार्य जी इतने प्यार से बुला रहे थे कि कन्हैया का हृदय पिघला। मेरो भगत बुलावे और मैं ना जाऊं ऐसा कबू होवे का? चाहे मैया को थप्पड़ी काहे ना खाने पड़ जाए मोको, पर या की खिचड़ी छोड़ मेरे को ना। ताला बंद का बंद कन्हैया कमरे से बाहर। अब तो नरम चारा था बेदांती वाला, बिना दांत वाला हो। अब शुरू हो गए, घी भी था, घी पड़ने के नाते आराम से नीचे उतर जाता था, मुंह में डाले नम 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 शुरू हुआ जाओ। फिर जब चप 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 की आवाज सुनाई पड़ी, गर्गाचार्य जी का खुली कुछ देर तो बोल ही नहीं पाए बेचारे। जसोदा जसोदा मैया दौड़े, का बात। अब मैया ने कन्हैया के गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया जोर से। कन्हैया को थप्पड़ लगा, मैया डांटने लगी, मैं कमरे में बंद करके आई थी, तू इधर कहां से आ गया? कन्हैया की गाल पे थप्पड़ लगा, कन्हैया कभी मैया को देखे कभी गर्गाचार्य को देखे। गर्गाचार्य ने भी कहा, जसोदा काय कर रही है, इसे काहे को मार रही है? अरे बाबा मैं इसे कमरे में बंद करके आई थी। ओ जसोदा जादे भोली ना बन, तेने देखो होएगो कि बाबा आंखें बंद किए बैठो है, तेने जाके ताला खोल के लाला को बाहर कर दियो होएगो। जसोदा मैया ने कहा, बाबा पर चाबी तो आपके पास है ना? गर्गाचार्य ने कहा, जे बता का एक ताला की एक ही चाबी होवे का? बूढ़ी माताएं बताएंगी कि एक ताला की कितनी चाबियां होती हैं। बूढ़ी माताएं बताएंगी, पता है किसी को? एक माता जी ने इशारा किया, दो चाबी ना माता जी, दो चाबी। बहुएं बताएं, तीन, और अब चारवीं मिलने लगी है। विशेष करके जो सास लोग बैठी हैं यहां, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि बहु से कभी ताला मत मंगवाइएगा। आपको तो पता दुइये चाबी, अब बहुत पता तो तीन चाबी। चार चाबी वाला ताला लाएगी, तीन चाबी पकड़ा देगी अम्मा, तीन चाबी वाला ताला, एक चाबी अपने पास रख लेगी। अम्मा जी तो ताला लगाई है, बहु ताला खोल के सब ढूंढ लेगी काका रखी अम्मा, समझ जाना माता हूं, बता दे रहा हूं। तो बात आई, हाँ, अच्छी बात, कितनी माताएं खुश होंगी बाबा अच्छी बात बताए, ताला नहीं मंगवाना बहुओं से। यहां चाहे जो भी बैठा हो, हम आप में से कोई भी, एक बात मैं चैलेंज कर सकता हूं कि किसी के परिवार में पूरा पूरा प्रेम हो ही नहीं सकता। हर घर में ताला लगता है कि नहीं लगता? लगता है। अगर प्रेम होगा तो घर के अंदर ताला नहीं होगा। क्योंकि महाराज जी ताले से क्या मतलब? बहुत मतलब है। ताला किसके लिए लगाया जाता है बताओ जल्दी से, किसके लिए? चोर के लिए। किसके लिए? चोर के लिए। अब बात समझिएगा आप लोग कि सास ताला लगा रही अपने बक्सा में, तो घर में सास को छोड़ के कोई चोर तो है ना? अब आप लोग जानिएगा कौन चोर है, हम नहीं बताएंगे कुछ। बहू अपने में ताला लगाई है, इसका मतलब घर में कोई चोर है ना? अब कौन है वो हम नहीं जानते, आप लोग जानिए। जितने लोग उतने ताला, उतना बक्सा उतनी तिजोरी, का बात है भैया।
बहुत प्रेम है परिवार में? ना, गलत बात। ठीक है, ताला भी हो और प्रेम भी हो तो मैं एक बात और कहता हूं, सास ताला लगा के निकलेगी तो चाबी बहू के हाथ दे देगी, बेटा चाबी रख ले, और बहू ताला लगाएगी तो कहीं निकलेगी तो चाबी सासू माँ को दे जाएगी, मैया ये चाबी रखना। आज तो भरोसा नहीं है आपस में। बहू अलमारी में जो लॉकर होता है उसमें पैसा वैसा रख के सब उसको लॉक करती है, फिर चेक करती है, फिर अलमारी लॉक करती है, उसे चेक करती है, फिर बाहर से बढ़िया गोदरेज वाला ताला उसको लगाती है, तब चाबी पर्स में डाल के टांग के जाती है कहीं। सास भी अगर मान लो दिमाग में ना आया हो तो दरवाजे के बाहर निकलने के बाद लौट के बक्से वाला ताला पकड़ के देखती है कहीं खुला तो नहीं है, क्या है। सच्चाई ये है कि हमें अब परिवार पर ही भरोसा नहीं रहा, हमारे परिवार के लोग ही चोर हो गए हैं, इसीलिए तो हम ताला लगा रहे हैं। जहां प्रेम होगा वहां ताला नहीं होगा प्यारे। अरे कहां गया वो दिन जब हम आप अपने घर में ताला लगाते थे और बाहर जाते समय चाबी पड़ोसी को पकड़ा के जाते थे, भैया ये चाबी रखियो। कहां गया वो दिन? आज घर में भरोसा नहीं, पड़ोसी की तो बात छोड़ दे भैया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से राधे राधे। गर्गाचार्य जी भी बोले जसोदा का बता तू, एक ताला की एक ही चाबी होवे का? भगवान को थप्पड़ लगा भगवान ऐसो करके, कभी जसोदा मैया को देखे कभी गर्गाचार्य जी को देखे। जसोदा मैया को देख के मानो भगवान कहना चाहते हैं, हे मैया मारी गलती ना आए रे, जे बाबा मोको बार बार बुलावे आते मोको आवे को पड़े। भगवान ने गर्गाचार्य जी की तरफ देखा, आंख से आंख मिली, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों में गर्गाचार्य जी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। गर्गाचार्य जी धड़धड़ कांपने लगे, धीरे से हाथ जोड़ के क्षमा मांगे और कन्हैया को बिठा लिया गोंदी में। अब वही खिचड़ी अपने भी खा रहे, कन्हैया को भी खिला रहे। जसोदा मैया ने कहा, बाबा क्या करते हो, काय मोको नरक में डाल रहे हो, बाबा मेरे लाला का जूठन खाए रहे हो। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, ए जसोदा तू ना जाने की जो प्राइवेट बात हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जे प्राइवेट बात हो, जसोदा मैया ने कहा प्राइवेट होवे जा सरकारी होवे मोको भी बताओ क्या बात है बाबा। अरे गर्गाचार्य ने कहा तू कितनी भोली है, तुझे ये भी ना पता कि बालक भगवान को रूप होवे, ये तो भगवान के रूप है। मैया ने कहा वाह, पहली बार मेरे लाला ने भोजन झूठा किया तो भगवान नहीं था, अब की बार झूठा किया तो भगवान। जसोदा मैया हंसने लगी, बाबा मैं भी सब समझती हूँ। गर्गाचार्य ने कहा समझती है? अरे बाबा ये सब देसी घी को कमाल है, जो देसी घी पड़ो है वहां को कमाल है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब भगवान का नामकरण हुआ तो भगवान चलना सीख रहे हैं। आज प्रेम हमारे यहां से खत्म होता जा रहा है, कोई प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, बच्चा खुच्चा प्रेम ले गया मोबाइल। आज आप किसी के यहां जाते भी हैं बैठे जैसे, वो आया जल जल पान कराया, हाल चाल पूछ रहा है बगल बैठ के, तो मोबाइल पे आप चैटिंग कर रहे हो, हाँ ठीक है सब सब बढ़िया। पति पत्नी रात को बिस्तर पे पड़े, पत्नी अलग चैटिंग कर रही है, पति अलग कर रहा है, बच्चे गेम खेल रहे हैं या तो कार्टून देख रहे हैं। आज प्रेम नहीं रहा परिवार।
पहले माताएं कितना प्रेम करती थी अपनी संतान को, उंगली पकड़ के चलना सिखाती थी माताएं, खड़ा करती थी भैया डिग 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 डिग, फिर बच्चा थोड़ा संभलता था, मैया उसे छोड़ती थी, अब बच्चा जब आगे बढ़ने लगता था, गिरने लगता था, मैया फिर संभाल देती थी। मैया को प्रेम था तो चलाना सिखाती थी, आज बच्चों से प्रेम नहीं। अब तो गोल गोल गड़ारी वाला क्या होता है, बच्चे को उठा कुसिम डाल दी, अपने काम काज में लिपटी पड़ी हुई, चैटिंग कर रही है, अब बच्चे को डाल दिया, क्या बोलते उसको, वाह कर, हाँ या कर चाहे वाह कर, वाह कर, उसी में डाल देती हूँ, अपने चलने लगता है। सोचो कहाँ गया माँ का प्रेम, कहाँ गई माँ की ममता। पहले माताएं कितने प्यार से चलना सिखाती थी, बच्चा जब चलने लगता था तो माता कितना खुश होती थी, आज तो उन्हें खुश होने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, अपने अपने भाव हैं, अपने अपने हिसाब से लोगों को जीना है, अपने अपने हिसाब से रहना। मैया चलना सिखाई, लाला चलने लगे। आजकल तो माताएं ला के हर जुतवा पहना देती हैं जो चू चू बोलता है, हो ना, जब बचवा पैर रखे तो आवाज आवे चू, तो सोचे दूसरा भी पटकू आवाज आवे चू, तो वो चलने लगे। पर पहले ये सब व्यवस्थाएं थी नहीं, पहले पैजनिया पर, पैजनिया। तो भगवान श्री कृष्ण के भी पांव में पैजनिया है, भगवान जब चलते हैं तो छम छम की आवाज आती, खूब पैर पटक के नाचते भी है, गजब की छवि है। और गांव की माताएं बहनें इसको बड़े भाव से गुनगुनाती हैं। अरे ठुमुकी चली कान्हा, गजब निकला गई, अरे बहुत निकला गई हो, रामा बिखरी है सरे की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो, रामा बिखरी है सरे की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो, रामा बिखरी है सरे की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो, रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। अरे ठुमुकी चले कान्हा, गजब निकला गई, बहुत निकला गई हो, रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो, रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। कन्हवा कमरिया धरे कान्हा, मधुर बोलिया बोलई, तुतुरी बोलिया बोलई हो, मैया जाबई सखा संगे आजू, की गैया चरावई हो, मैया जाबई सखा संगे आजू, की गैया चरावई हो, मैया जाबई सखा संगे आजू, की गैया चरावई हो, मैया जाबई सखा संगे आजू, की गैया
जशोदा मैया ने कहा हंसी के तब कहली जसोदा सुनहूं ललिना प्यारे सुनहूं बेटवा प्यारे नुहो ललिना हुई जाहू हो बेटवा हुई जाहू और सयान त गैया चराए हो बेटवा हुई ललिना होई जाहूं और सयान तो गैया चराए हो ललिना होई जाहूं और सयान तो गैया चराए हो अरे ठुमकी चलई का जब निकला गई बहुत निकला गई हो रामा बिखरी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो रामा बिखरी है सर की रामा बिखरी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो रामा बिखरी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो रामा बिखरी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो रामा बिखरी है सर की झलरिया बड़ा सुंदर ठुमकी ठुमकी चले कान्हा गजब निकला गई बहुत निकला गई हो रामा बिखरी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो रामा बिखरी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर नयन बड़ा सुंदर नयन बड़ा सुंदर नयन बड़ा सुंदर नयन बड़ा 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 सुंदर हो रामा बिखरी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो अच्छा आंखें कैसी सुंदर होती हैं छोटी या बड़ी ये तो दो पक्ष हो रहा है बड़ी या छोटी बड़ी आंखें ना हाँ जैसे भैंस की आंख नहीं मनुष्यों में भी आंखें बड़ी अच्छी लगती जैसे हमारे बाहो बोलो राधे 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 अब इतना ना कहते तो काहे हंसी आती आप लोगों को बहुत देश देख रहे खामोश बैठे हैं सब हमेशा हंसते रहना चाहिए व्यक्ति रोने वालों की कमी है क्या 84 लाख योनियों में सिर्फ हम मनुष्य हंस सकते हैं गधा बिल्ली गाय भैंस कोई भी नहीं हंस सकता हंस सकते हैं तो सिर्फ हम आप भगवान ने हमें हंसने की कला दी लेकिन मनुष्य से ज्यादा रोने वाला कोई है का हाल चाल किसी से पूछ लो और भैया क्या हाल चाल का बताई भाई का बताई अरे का बताऊंगा तू का बताई किसी से हाल चाल भी पूछने का मन नहीं करता क्योंकि जवाब यही होगा का बताई भाई का पूछी भाई बोल राधे 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 एक
एक व्यक्ति ने दूसरे से प्रणाम किया, चाचा जी प्रणाम। क्या खुश रहो? अरे चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। कहते खुश रहो। कहा पहले आप खुश होइए, पहले आप खुश होइए चाचा जी, हमको बाद में खुश करिए, हम तो खुश होइए। हंसते रहना चाहिए व्यक्ति को, खूब हंसो। भगवान की आंखें बड़ी सुंदर हैं, आंखें बड़ी अच्छी लगती हैं, और भी कजरारी आंखें हो तो क्या क्या नहीं। आजकल डॉक्टर मना कर दिए काजल मत लगाओ, और पहले लड़का जैसे कजरावटा माई के हाथे देख है, तुरंत माई पहुंचे तुरंत रोवे शुरू करे। अरे कैसे मैया पकड़े ऐसी आंखें खोल कर जबरदस्ती, यहू नहीं डरती थी कहीं उंगली आंख में घुस न जाए, सही है ना। लगा देती थी मोटा काजल, दोनों आंखें भर देती थी। अब चाहे जितना रोवे ऐसे करे, पूरा गाल में लग जाए काजल, पेट में लग जाए, कपड़े में लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन माता काजल जरूर लगाती थी। तो जब काजल लगाया जाता था तो आंखें बड़ी बड़ी होती थी, बढ़िया सुंदर। आजकल आंखें बटन जैसी होने लगी, छोटी छोटी। ऐसे हो रहा है ना आज। आज डॉक्टर मना क्यों करते हैं काजल मत लगाओ? कारण यही है कि आज के समय में माताएं बनाना नहीं चाहती काजल। पहले माताएं खुद से बनाती थी, वही काजल लगाती थी, और आज तो सब रेडीमेड व्यवस्था, बाजार से काजल लाओ, केमिकल वाला वही लगाओ, खुद भी लगाओ, बच्चे को भी लगा दो। आज सिर्फ फैशन जैसा रह गया है, लेकिन पहले काजल माताएं शुद्धता से बनाती थी, वही लगाती थी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान की आंखें बड़ी सुंदर है। भगवान अब चल रहे हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजरज का आनंद लिया, मिट्टी खाई। अरे मिट्टी खाई सुखाई, एक दिन भगवान ने गोबर भी खाया। क्या खाया? गोबर खाया जाता है हा? पिया जाता है? नहीं पता ही नहीं है, क्या जानोगे? ठीक है मान लेते हैं, चलो अब बताने की जरूरत क्या है। ठीक है, भगवान ने गोबर खाया कि गौ माता के इस गोबर का भी आनंद लिया जाए। जैसे भगवान थोड़ा सा गोबर उठा के मुंह में डाले, एक दो बार मुंह हिलाया, बलदाऊ भैया के, ओ मैया का भयोला ला, अरे कन्हैया गोबर खा रहा है मैया, दौड़ दौड़ मैया, कन्हैया गोबर खा रहा, मैया दौड़ दौड़ आई, ठीक ठीक ऐसे मुंह धो, उंगली डाली, ठीक 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 सुअर कहीं का। मैया ने क्या कहा? सुअर कहीं का। भगवान श्री कृष्ण खिलखिला के हंस पड़े, बलदाऊ भैया की सारा किए, देखो मेरी मैया बहुत जानकार है, मेरे वाराह अवतार को पहचान रही है। बोलो वाराह भगवान की जय। अरे वो तो सूर का ही अवतार था, वाराह अवतार। तो भगवान ने कहा मैया बहुत जानकार है, देखो मेरे वाराह अवतार को पहचान गई मैया। अब भगवान के बहुत से बाल सखा हो गए, भगवान बाहर खेलने जाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दिन सखाओं से बोले, भैया चलो हम लोग एक खेला खेलते हैं। बोले कौन सा खेला? बोले चोरी वाला। श्री दामा ने कहा कनुआ अब और कोनो खेला ना बचा का। अरे भगवान ने कहा नाराज क्यों होते हो? माखन चोरी करेंगे हम लोग, माखन। कहे तो कैसे करेंगे? भगवान ने कहा सब अपने अपने घर चोरी करो, खतरा नहीं है, पकड़े जाओगे तब भी घर है अपना, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे घर पकड़े जाओगे तो हाँ समझो क्या हाल होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कन्हैया ने कहा सब अपने अपने घर चोरी करो। कन्हैया कैसी चोरी कर रहे हैं? रोहिणी मैया रात का समय शिकहर पे मटकी रखी, और कन्हैया चुपके से घर में घुस गए, अंधेरा था,
मैया मटकी रख करके संभाल करके निकल के बाहर गई, सिकड़ी लगाई और कन्हैया मौका पाए, धीरे से व्यवस्था बनाए, शिखर तक पहुंचे, मटकी में हाथ डाले, माखन खाने लगे, नम 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 नम। थोड़ी खटर पटर हुई, जसोदा मैया ने रोहिणी से पुचारी, रोहिणी बहन दरवाजा ठीक से ना बंद कियो का। अरे बहना दरवाजा तो ठीक से बंद करके आई, तो ये कछु खटर पटर होवे घर में, मोको लगे बिल्ली घुसाई का, बिल्ली। अब कन्हैया सुन रहे हैं, रोहिणी मैया ने कहा देख के आती हूँ। जब रोहिणी मैया बोली देख के आती हूँ, कन्हैया समझ गए कब मैया आवेगी। और आपने देखा होगा जब दरवाजा खोलते हैं हम लोग तो दरवाजे के दोनों बगल में छिपने की जगह होती, कन्हैया आके वहीं खड़े हो गए। मैया दरवाजा खोली, अंदर गई, शिकार कर देखी, बोली ठीक है, कन्हैया निकल के बाहर आए। अगले दिन जहां सबको मिलना था, सारे गोप ग्वाल आना शुरू किए, सबसे पहले कन्हैया जाके पहुंचे थे। तन सखा आ रहा था, लंगड़ाते हुए चल रहा था, भगवान देख के खिलखिला के हंस पड़े। अरे कारे भैया तन सखा। तन सखा ने कहा कनुआ ऐसी बात कबहू ना करियो लाला, बता देता हूँ तुम को बहुत अच्छा लगे, आते मार नहीं रहा हूं तो को ना तो बहुत मार तो। कन्हैया ने कहा हुआ का? अरे हुआ का, चोरी सिखाता है, कल जैसे ही मटकी में हाथ डालना वैसे ही मैया आ गई, मैं तो डर के मारे भागना चाहा, गिरा धड़ाम से, पैर में मोच आ गई, राम कृपा से पैर ना टूटे। श्री दामा आता दिखाई पड़ा, उसका मुंह फूला हुआ था, भगवान देखे हाथ दिखा दिखा के ताली बजा के, देखो 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 कोई सारी एक ही दिन माखन खा के इतना मोटा हो गया तू। श्री दामा अरे लाला का मोटा, मैया पकड़ ले, लगी गाल पे तड़ातड़ थप्पड़ मार, पे मार खा खा के मोटा हो। भगवान ने कहा अच्छा मोको लगे कि तू एक दिन में ही माखन खा के मोटा होएगा। सब पकड़े गए थे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके। भगवान ने कहा तुम सबन के बस की बात ना है रे, चल अब हम खिलाएंगे माखन तुम सबन को। एक टीम व्यवस्थित की गई, ये हुआ मुखिया कौन बनेगा। सभी गोप ग्वालों ने कहा लाला तू ही मुखिया बन, तू ही सिखावे चोरी, तू ही माखन खिलावे, तू ही सरदार बन। बोले ठीक है। एक संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया, बाल गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल, जिन्हें भी उसमें सम्मिलित होना, सब ऑनलाइन व्यवस्था है, सब तड़ातड़ सदस्य बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं गोपाल। अब तो एक एक घर से माखन चोरी हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन खाया कौन चुराया, पता ही नहीं चलता। गोपियों ने आपातकालीन बैठक बुलाई, बहना ये माखन कैसे गायब हो रहा है। एक ने कहा मेरे घर से कल, उसने कहा परसों मेरे घर, ओ अरे इसके पहले मेरे घर, किसी ने कहा मेरे यहां तो तीन दिन से लगातार गायब हो रहा है, पर ये चोरी कौन कर रहा है। एक बूढ़ी ग्वालन थी, बोली ए सुनती बहुरिया तुम सबन को दिमाग ना है रे, अपनी अपनी सीकर के साथ एक घंटी लटकाए दे, जब चोर आएगा और शिकार को हाथ लगाएगा तो घंटी बज जाएगी और घंटी बजे तो चोर पकड़ा जाएगा। और ये बात अपने तक रखियो, काहू को कानो कान खबर ना होवे। सबने ऐसा ही किया, सबने अपनी अपनी शिकार के साथ एक घंटी लटकाए दी। रात को कन्हैया एक घर में घुसे, अच्छा उसमें ग्वाले भी जो थे ना बड़े अजीब थे, अपने घर में बता देते कि यहाँ इस शिकार है, यहाँ मटकी है, ऐसे खुलेगा, ऐसे आओ ऐसे जाओ, अपने घर में चोरी करा लेते थे कि आओ। यही तो है ना, कहा गया बिना अपनों के कभी घर में चोरी नहीं होती है, अपनों का हाथ जरूर होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जोर से बोलो ना राधे राधे। पहुंचे जब कन्हैया, देखे हैं इशारा किया, चलो चलो वापस चलो। मधुमंगल ने कहा वे लाला वापस काहे को जाएं, बिना माखन खाए जाएंगे का।
कन्हैया ने कहा देख नहीं रहा घंटी लटक रही है और हम शिखर को हाथ लगाएंगे तो घंटी बज जाएगी, घर के लोग जाग जाएंगे, पकड़े जाएंगे, वो पिटाई होगी और पूरे ब्रज में हम लोग बदनाम हो जाएंगे, चोर चोर करके लोग बुलाएंगे। मधुमंगल ने कहा अबे दाढ़ी के भाई तू इतना सा था तो तूने पूतना मार डाली, शतक भंजन त्रिणावर्त तूने सबको उद्धार कर दियो या घंटी की का औकात, तू एक बार जोर से डांट दे जे घंटी ना बजेगी। बोलो राधे 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 और जोर से बोलो राधे राधे। तू डांट दो घंटी ना बजेगी पक्की बात बोलू मैं। कन्हैया ने कहा चुदिक, कन्हैया ने कहा है घंटी हम चोरी करने आए चोरी करेंगे और तू बजना नहीं, नहीं तो समझ ले। भगवान ने कहा सही डाटा ना, सबने कहा हाँ अब ना बजेगी, अब जे ना बजेगी अब जो हमारी तरह मोटे मोटे लोग थे वो नीचे लगे, नहीं तो नीचे दुब्बर पत्थर लगते ऊपर हमारी तरह मोटा तगड़ा चढ़ जाता तो चटनी हो जाते सब, नीचे बेस मजबूत होना चाहिए। बोले राधे 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 राधे। तो जो मोटे मोटे ग्वाले थे वो सब नीचे लगे, उनसे पतले उनके ऊपर, उनसे पतले उनके ऊपर, सबसे ऊपर कन्हैया चढ़े और मटकी को उतार लिए। घंटी हिल रही थी लेकिन घंटी बज नहीं रही थी, कन्हैया घंटी पकड़ के हिलाए घंटी तबो नहीं बजी। भगवान ने कहा नकली घंटी लगी है, नकली घंटी है, उतार लाए नीचे मटकी। ग्वालन ते बोल दियो लाला जल्दी आइयो और माखन खाइयो दूसरे घर में चलबो है। गोप ग्वालो ने कहा लाला तू पहले खा ले, तू झूठा कर दे तेरा प्रसाद हम लोग भी पाए लेंगे। कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला, थोड़ा सा माखन निकाला और जैसे ही मुंह में डाला कि घंटी बजने लगी। कन्हैया माखन चुप 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 हो जा, घंटी रोने लगी। भगवान ने कोई मैंने तुझे चुप होने के लिए कहा तू रो क्यों रही, बोली मेरी गलती थोड़ी मुझे डांट रहे हो। भगवान ने कहा फिर, बोली सारी गलती तो पंडित जी की है। भगवान ने कहा मतलब जब आपको भोग लगाते हैं पंडित जी लोग तो घंटी बजाते हैं और आप हमारे सामने प्रसाद पा रहे हो, सरकार मैं ना बजती तो आपका अपमान हो जाता गोविंद, मैं तो इसलिए बज रही थी। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान किसी की पकड़ में नहीं आते, गजब की बात। एक दिन भगवान को मन किया कि आज दिन में माखन खाऊंगा। अच्छा कभी कोई पूछा अगर भगवान से कि लाला तेरे घर 9 लाख गैया हैं तब भी तू माखन चोरी करके खावे का बात है, तो भगवान आंखें गोल मटोल करके मटक करके कहते भैया तू ना जाने चोरी की चीज खावे में कछु स्वाद ही और आवे, माखन चुरा के खावे को स्वाद ही कछु और है। कन्हैया का आज मन किया कि दिन में माखन खाए लो, तो प्यारे गए दो चार घर गए देखे तो सब कोई न कोई था वहां। अब एक घर देखे तो सुनसान दिखाई पड़ा, कन्हैया जब उधर बढ़े एक ग्वालन देख रही थी वो छुप गई, समझ गई कि आएगा माखन खाने। कन्हैया पहुंचे जहां मटकी थी वहां, फिर इधर उधर घूम घूम टहल के देख रहे हैं, फिर मटकी को एक बार छू लेते थोड़ा सा कि अगर कोई होगा तो कहेगा क्या करता वहां पे, चल 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 भाग यहां से। अब ग्वालन छुप गई कि समझ गई कि ये चोरी करने आया, कन्हैया मटकी छू लेते फिर थोड़ा सा इधर उधर देखते वक्त समझ गए कोई है नहीं, फिर मटकी में थोड़ा सा हाथ डाला फिर निकाल लिए, कोई होगा तो डांटेगा ही क्यों मटकी में हाथ डाल रहा है क्या कर रहा है। कन्हैया समझ गए रास्ता एकदम साफ, अब क्या हाथ डाले और जैसे मुंह में माखन डाले कि वो गालन आई चुपके से पकड़ ली हाथ।
चल बच्चा आज तू पकड़ में आ गया तो तू है चोर, आज पकड़ में आएगी वो लाला। चल भगवान ने सोचा आज तो पिटाई है निश्चित, आज मैया मारेगी। ए भाभी छोड़ दे ना, भाभी छोड़ दे ना, आज तो ना छोड़ूंगी। चल जसोदा मैया के पास चल, आज तुझे माखन खिलाती हूँ। चल पहले बड़े सुंदर संस्कार हुआ करते थे, माताएं घर से बाहर होती थी तो पर्दा करती थी, घूंघट निकाल लेती थी। बूढ़ी माताओं के सर पे आज भी पल्लू होता है, नई नवेली बहुएं पल्लू गिरा कर घूमती हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। सर पे पल्लू रखते क्यों हैं शायद यही नहीं पता है। सर पे पल्लू क्यों रखा जाता है पता, ये पता ही नहीं है। कितना जनी अपन अपन सब संभालत है, धीरे धीरे संभाल लो, अच्छी बात है, संभाल लेना चाहिए। हाँ। कोई कोई माता जी मतलब जिसे कहीं चर्चा होती है तो बूढ़ी माता जी कहती है अरे महाराज आजकल पतो ये कहा थी संभरबाई ना करत अम्मा, संभरबाई ना करत। बूढ़ी माताओं ने कैसे संभाल के रखा, सच बता दूं आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके नगर में बहुत सी ऐसी माताएं होंगी जिसका चेहरा आज तक लोगों ने नहीं देखा होगा ठीक से, बूढ़ी माताओं की बात कर रहा हूं मैं। और शायद ऐसी कोई बहू हो जिसको किसी ने ना देखा हो, बाकी तो सबने देखा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। सर पे पल्लू रखते क्यों हैं? आपकी मांग में सिंदूर होता है माता, सिंदूर, और जब इस सिंदूर पे आपका आंचल पल्लू ये पड़ा रहता है तो आपके सुहाग की उम्र लंबी होती है, आपका सुहाग धन कमाता है, यश कीर्ति उसकी बढ़ती है, आपका सुहाग निरोगी रहता है, विकास होता है उसका। और जैसे ही यहां से पल्लू हटा तो सुहाग पर संकट आता है, उसकी उम्र कम हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कर्ज में डूब जाता है, कहीं धंधे में उसका नुकसान हो जाता है, इसलिए सर पे पल्लू रखने की हमारे यहाँ परंपरा है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अरे पल्लू की तो छोड़ दे भैया, कितनी ऐसी भी माताएं हैं जिनका विवाह हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहती हैं। अब क्या चाहती हैं बात समझ में नहीं आती, या हो सकता है अपने को समाज में प्रदर्शित करना चाहती है कि मैं कुंवारी हूं, सही है कि नहीं, या तो प्रदर्शित करना चाहती है कि मैं कुंवारी हूं, किसी औरों की तलाश होगी उसे, नहीं तो ऐसी कोई सुहागिन नहीं होगी जो कि बिना सिंदूर लगाए कहीं बाहर निकले। एक बात और बोलता हूं कि माताओं का श्रृंगार उसके पति के लिए होता है, एक स्त्री का श्रृंगार जो होता है वो उसके पति के लिए होता है, समाज के लिए नहीं होता है। लेकिन कैसी विडंबना, पति बेचारा घर में पहुंचे तो चुड़ैल बनी बैठी रहती है, कहीं बाहर जाना होता ए जी तनी चलो ना पार्लर, चलो ना पार्टी में जाना है ना, इसलिए अनुग्रह करता हूं माताओं, मेरे कहने का गलत अर्थ न लगाना, स्त्री का श्रृंगार वास्तव में सिर्फ और सिर्फ उसके पति के लिए होता है, स्त्री सजे और उसका पति देखे इसीलिए श्रृंगार है, समाज को दिखाने के लिए स्त्री का श्रृंगार नहीं होता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। हाँ, या तो आप पति के सामने भी सज रही हो, समाज में भी सज के जाओ तो खुशी होती है, नहीं तो पति भी सोचता है हमारे सामने देखा तो एकदम चुड़ैल बनी बैठी रही है, बहरे जाती तो विचार करना मेरी बातों पे, मैं हंसने के लिए नहीं सुना रहा हूं, अगर बात अच्छी लगे तो कुछ जीवन में उतारने का प्रयास करना मात्र, नहीं तो मेरा क्या। बोलो राधे राधे, हे राधे। अब हमने बताया पल्लू का महत्व, बात समझ में आवे तो देखिएगा और नहीं तो कोई अपने राम से कापड़ी है। अब ऐसा भी मत करना कि बाबा बहुत बढ़िया बता, किसी दिन पति झगड़ा हो जाए
कहीं ला तू जल्दी मरबा बाबा बताए रहे हम अपना रखा सही पल्लू एरी मैया इससे तुझे भी नुकसान होगा बोले राधे 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 आइए कथा पे चलते हैं मैं कुछ हंसाने के लिए नहीं बोलता हूं मेरा उद्देश्य होता है कुछ शिक्षा समाज को जाए और किसी एक ने भी जीवन में उतार लिया तो कथा करना कराना दोनों सार्थक हो जाता है चल कन्हैया ने सोचा आज तो गजब बुरे फंसे तब तक जो ग्वालन कन्हैया का हाथ पकड़ के ले जा रही थी उसका देवर दिखाई पड़ गया आया धीरे से अरे लाला कन्हैया ने रोनी सूरत बनाई भैया का बताऊं जसोदा मैया ने ढिढोरा पिटवा दिया है कि जितनी भी ग्वालन है सब एक एक लाला को पकड़ के ले आवे आज जसोदा मैया खूब माखन खिला रही है तो ग्वालन के देवर ने पूछा तो लाला तू दुखी काहे है अरे काहे ना दुखी हूं चार बार पकड़ा जा चुका हूं चार बार माखन खा चुका हूं मुझे तो मन नहीं है माखन का बोला ये लाला मेरो भी मन करे यार दिन में माखन खाई बेगो पर दिन में तो माखन मिले ना रात को मिले जब तू खिवावे ये भैया मोको भी खवाए देना माखन कन्हैया ने कहा दिन में माखन खाना तुझे आज खाना माखन अभी हाँ अच्छा रुक कन्हैया ने ग्वालन से कहा ए भाभी ओ भाभी इतने प्यार से बोला कन्हैया ने कि बोली हाँ लाला भाभी मेरे ये हाथ दुखने लगे ये हाथ पकड़ लेना तो कन्हैया का हाथ छोड़ दिया अच्छा लाला ला तो उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया कन्हैया ने ले ये पकड़ ले कन्हैया भाग के गए आंगन में खेलने लगे अब ये चल चल आज तुझे माखन खिलाती हूँ चल देवर बेचारा खुश कि माखन खिलाने ले जा रही है अब पहुंची नंद भवन और यशोदा जसोदा मैया आई दरवाजे के पास यूं हाथ करके खड़ी हो गई कहा बात है अरे देख जो तेरा लाला है ना ये एक नंबर को चोर है का घर में या को माखन ना खिवावे का घर घर जाके ये माखन खावे जसोदा मैया ने कहा री बावरी घूंघट ने ऊपर उठाए ले और देख ले वो मेरो लाला है कि कोई और है अब बिचारी जैसे घूंघट उठाई और देख जसोदा मैया ने कहा अरे लाला कनुआ भगवान अंदर खेल रहे थे आए हाँ मैया देख तो कौन आया है कन्हैया ने कहा भाभी जी नमस्ते अरे बिचारी पानी पानी हो गई कि मैं इसे पकड़ी थी और देखो ये कहां से पकड़ में आया भगवान कभी किसी की पकड़ में नहीं आते मेरे जी पकड़ में नहीं माखन चोरी तो एक बहाना था सत्यता यह है कि गोपियां भी भगवान के दर्शन का भाव रखती थी जिस दिन दर्शन नहीं मिलता था उस दिन टोली बना के पहुंच जाती और रहना देने के बहाने ही दर्शन कर लेती थी एक दिन की बात गोपियां एकजुट होकर के गई आपस में बात कर लेती कि मैं पहले वो रहना दूंगी मैं बोलती रहूंगी जसोदा का ध्यान अपनी तरफ किए रहूंगी तुम लोग दर्शन कर लेना फिर तू बोलना मैं भी दर्शन करूंगी टोली बना के पहुंच जाती ओ मैया जसोदा मैया ने कहा बेना कहां गयो तेरा छोरा का बात है बेना वने कचुकियों का अरे ऐसे ना बताऊंगी वह को बाहर निकालो वह के सामने शिकायत करूंगी हाँ अब ऐसी ग्वालिनिया ऐसा मुंह बनावे कि मैया डर जावे का बात है बेना अरे ऐसे ना बताऊंगी बुलाओ ना उसको लाला कनुआ हाँ मैया इधर आ देख बेटा ये लोग कुछ बताने आई हैं ये लोग कुछ बताने भाभी जी नमस्ते अरे नमस्ते करता है दिन में नमस्ते करता है फिर मैया और घबड़े का बात है बेना अरे जसोदा बहन का बात का बताऊं कन्हैया ने मैया की तरफ मुंह किया हे मुंह इधर कर इधर देख तेरे सामने तू इधर देखता रहेगा और मैं शिकायत करूंगी अभी सारा कर दिया कि चलो सब लोग शिकायत मैं कर रही हूं और दर्शन करती रहूं हे मैया तेरा जो लाला है ना हम सबन के नाक में दम कर रखवे
मैया ने पूछा कहा भयो? अरे ये जाके बछड़े खोल देवे। मैया हंस बेलेगी, अरे का कहूं बेन, जे तो मैंने ही सिखायो यार, मैं भी जब गई दोने जाऊं तो बछड़े यही खोले। ए मैया वह समय की बात ना करूं, एक दिन तो मैं गैया धोने जा रही थी, तेरे लाला खड़ो तो मैंने कहा लाला वो बछड़े खोल दे, यानी आंखें गोल मटोल करके कही है कामों को नौकर समझ रखो है का, तेरे बछड़े खोल दे। ए मैया बिना समय के जाके जे बछड़े खोल दे, वे बछड़े दूध पी जावे, जब हम गैया धोने जावे तो खाली मटकी लेके वापस। अब मैया ने आंखें बड़ी बड़ी निकाली, कार्य करवा। भगवान कहते मैया सब झूठ बोल रही है। मैया को लगता कि लाला रो देगा तो मैया भी खिलखिला के हंसते, अच्छा अच्छा एक तू ही तो नेक सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरे कुल खानदान में आयो है, बाकी तो सब झूठ ही है। तब एक ग्वालियर ने कहा इधर मुकर, फिर कन्हैया उधर मुकर। अब दूसरी सुना रही है, वो बोली तू दर्शन कर ले। मैया कुछ ना कुछ तो करवे पड़ेगा। मैया ने कहा बात तेरे साथ कहा भयो? अरे मैया कल रात को तेरा लाला मेरे घर में घुसा। मैया ने कहा ही भगवान अब ये रात को घर में भी घुसता है? फिर मैया मेरी बिटिया खटिया पे सोई थी। मैया ने कहा फिर तेरे लाला ने मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया में बांधते। मैया ने कहा फिर जे हमारे कमरे में घुस आयो। मैया ने कहा फिर मैं और मेरा पति सोए थे। मैया ने कहा फिर मेरी चुटिया मेरे पति की दाढ़ी में बांधती। मैया ने कहा फिर ये बाहर गयो और हमारी बिटिया के कान में यानी जोर से कह दियो हवा। और मेरी बिटिया हवा को नाम सुने से बहुत डरे, हवा से बड़ा डर लगे वाको। जैसे हवा को नाम सुनी बिटिया मारे घबराए के उठबे लगी, वाकी चुटिया बदी थी खटिया की पटिया से चिल्लाई अरे मैया दौड़ियो हवा ने पकड़ लियो, हवा ने पकड़ लियो, मैया बचाए लो, मैया बचाए लो। अब रोती भाई छोरी की आवाज कान में पड़ी तो मैं भी झटके ते उठी, और जब मैं उठी तो मेरी चुटिया तनी उधर पति की दाढ़ी तनी। मैंने कहा जी क्या करते हो, छोड़ो ना मेरी चुटिया, देखो बिटिया रो रही है। और पति देव नींद में थे वो भी बोले अरे मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही है भावरी। और मैंने कहा चुटिया छोड़ो, वो बोले दाढ़ी छोड़ो, चुटिया छोड़ो, दाढ़ी छोड़ो। अब बिटिया बहुत जोर जोर से रो रही थी कि मैंने जोर का झटका मारा, पतिदेव के 150 बाल दाढ़ी के उखड़ के हमारी चुटिया में लटकते हुए आए। बाहर आए के देखी तो तेरा लाला भाग तो दिख गयो। मैया क्यों लाला जे सही है? भगवान रोनी सूरत बनाते ना मैया सब झूठी है, जे सब झूठी है। माता वो रहना दे रही है। आइए भाव से छोटा सा गीत सुनते हैं। आज दूर दूर से चल के लोगों का आना हो रहा है। सुरमा मिश्र का पूरा शिवंसा जानते हैं ना आप लोग, वहां से भी देखिए जीपी तिवारी जी अपने मित्र मंडली के साथ पधारे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये भी वेद कथा में बहुत भव्य कथा इनके यहाँ भी हुई थी। अब कथा होगी तो क्षेत्र के सभी लोग आएंगे। गोपियां शिकायत करती हैं, हे नंदी रानी कन्हैया, हो नंदी रानी कन्हैया, जबरी भयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। हो नंद रानी हे नंद रानी कन्हैया, जब
बरी भयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे हाँ मेरी मटकी उलट के पलट गयो जय जय ताली की सेवा भाव से सब लोग ताली बजाएं मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी 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 दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी 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 ऐसी बंसी पे हो ऐसी बंसी पे ऐसी बंसी पे जियरा अटक गयो रे ऐसी बंसी पे जियरा अटक गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयो रे कन्हैया चुपके से आके करे चीर चोरी 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 पनघट पे आके करे जोर जोरी पनघट पे आके करे जोर जोरी मैया हल्लो मचो तो हो मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे हे नंद रानी हो नंद रानी नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे गोपियां शिकायत करती हैं और कहती हैं मैया घर घर में जाके ये माखन चुरावे 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 खावे सब खावे जमी पे गिरावे खावे सब खावे जमी पे गिरावे मैया रोकनो है मैया रोकनो हमारो खटक
भटक गयो रे मैया रोकनो हमारो भटक गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे जय माखन चोर भगवान की जय हो मैं तो दुखारी गरीबी की मारी 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 नहीं जोर चलो तो दीन ही मैं गारी 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 मोरी पैया है मोरी पैया मोरी भैया कन्हैया झटक गयो रे मोरी भैया कन्हैया झटक गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे नंदी रानी ओ नंदी रानी नंदी रानी कन्हैया जबर भयो रे नंदी रानी कन्हैया जबर भयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे हां मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे 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 बोलो माखन चोर भगवान की जय हो मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे गोपियां शिकायत करती हैं भगवान किसी के पकड़ में नहीं आते अहंकार से तो भगवान को बिल्कुल नहीं पकड़ा जा सकता भगवान प्रेम से बंध जाते हैं लेकिन अहंकार से कोई इन्हें पकड़ नहीं सकता प्यारे बोलो राधे राधे और जोर से बोलो राधे राधे सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं बोले राजन एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरणियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि निर्ममंथ स्वयं दधि एक दिन यशोदा मैया अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के आज दधि मंथन कर रही है 9 लाख गैया हैं थोड़ी दही नहीं होती बहुत दही होती है महाराज एक खैलर लेके थोड़ी खैलर बोल दिया अब ऐसी थोड़े ही मथानी ऐसी थोड़े वहां हो पावत बोले फिर अरे बहुत बड़ी मथानी बनी है वो रस्सी लगा के भेजो ऐसे मुड़ी हिलाओ जना माठा मारे ऐसे मैया क्या कर रही है दधी मंथन कर रही है मैया कन्हैया खेल रहे थे कन्हैया तोड़े तोड़े गए मैया को पकड़ लिए पीछे से
कभी कभी देखा गया है कि माताएं कुछ काम करती रहें और उनका बच्चा अगर पास में आ जाए मैया के पास तो मैया काम बंद कर देती है और लाला को प्यार दुलार करने लगती है। मैया ने भी दधि मंथन रोक दिया, कन्हैया को गोदी में लिटा के प्यार से बैठ गए, कन्हैया को निहारने लगी प्यार से। कन्हैया ने मैया के गाल को छुआ ऐसे, ए मैया मुको ऐसे काहे देखो, लाला तू कितो सुंदर है, काहो की नजर ना लग जाए मेरे लाल को। कन्हैया ने मैया ते पूछ लियो, ए मैया एक बात बता दे, तो को दूध प्यारो की पूत प्यारो? क्या पूछा मैया ने मैया से? तो को दूध प्यारो की पूत प्यारो? मैया तुझे बेटा प्यारा है कि दूध प्यारा है? माँ तो आप लोग बताओ क्या प्यारा होगा, बेटा ना? हाँ सही है। तो यशोदा मैया ने भी यही उत्तर दिया होगा। कन्हैया ने पूछा, मैया दूध प्यारो की पूत? अरे मैया ने कहा, मेरा लल्ला, मेरे मुन्ना, मेरे राजा भैया, मोको दूध ना है, मेरे पूत प्यारो, लल्ला पूत प्यारो। अभी प्यारो ना बोल पाई थी मैया की भट्टी पे वने दूध रखा था और दूध बहने लगा। जब दूध बहने लगा तब मैया कन्हैया को झटके से नीचे रखी, बाकी अरे दूध बहा, दूध बहा, दूध बहा। कन्हैया नाराज हो गए, जे कह रही थी कि मुको पूत प्यारो और दूध बहबे लगो तो इससे बर्दाश्त ना भयो। कन्हैया ने उठाई लियो लकुटी लाठी और आंगन में जितने मटके रखे थे सब तड़ातड़ करके सब फोड़ डाले, सारे मटके फोड़ डाले कन्हैया ने। अब जसोदा मैया उधर दूध संभाल के जब आई देखी तो सारे मटके फूटे पड़े। मटके किसने फोड़े? आपको नहीं अमोबो गुस्से, मैंने फोड़े, मैंने। क्यों तू झूठ काहे को बोलती है? तो को दूध प्यारो मैया, पूत ना प्यारो? जसोदा मैया ने कहा, तू इतना बदमाश हो गया, रुक मैं तुझे अभी बांधती हूं उखल में। एक तू खल, एक उखल, चल तुझे उखल में बांधती हूं। कन्हैया ने कहा, बांध। कुछ कुछ बच्चे होते हैं अगर मैया उसे मारने लगे तो कहती और मार और मार, जितना मारना है मार लिया और मार। कन्हैया ने भी कहा, चल बांध। जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, एक रस्सी ले आई बड़ी मजबूत रस्सी, जब कन्हैया को बांधने चली तो दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई, रस्सी दो अंगुल कम पड़ गई। मैया फिर गई दूसरी रस्सी अपने नाप की ले आई, पर जब कन्हैया को बांधने लगी तो फिर दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई। दो अंगुल रस्सी फिर कम पड़ गई और प्यारे मैया ने लाख प्रयास किया, रस्सी में रस्सी जोड़ दिया, लेकिन कन्हैया को बांध ना पाई। बोलो राधे राधे। क्यों नहीं बांध पाई? क्योंकि अहंकार था कि मृक मैं तुझे बांधती हूं, और भगवान कभी अहंकार से नहीं बंधते। धीरे धीरे गुस्सा शांत हो गया, तू बंध क्यों नहीं रहा लाला? भगवान ने देखा गुस्सा शांत हो गया मैया का। कन्हैया ने कहा, मैं बांधता हूं। कहा मैया ले बांध। वही रस्सी जो जसोदा नहीं बांध पाई कन्हैया ने अपने हाथ से बांध दिया। अब जसोदा मारे गुस्से को उस पर चार पांच गांठ और लगा दी, चल अब तू आज यही रहेगा ऐसे। मैया गई कामकाज में लपट गई। इसके पीछे भी तो भगवान की लीला थी। आंगन में दो यमलार्जुन के बड़े बड़े पेड़ थे, श्राप के कारण वो यमलार्जुन के पेड़ बने थे और उद्धार भगवान के ही द्वारा होना था। भगवान आगे बढ़े और वो जो उखल था उसी पेड़, दोनों पेड़ के बीच में फंसा भगवान थोड़ा सा आगे बढ़े कि दोनों पेड़ धड़ाम से करके गिर पड़े। मैया दौड़ी दौड़ी आई तो कन्हैया को छोड़ के बाहर निकाली। लाला तो को कुछ भयो तो ना? बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
नंद के भाई हैं उपनंद और भी बड़े जो ग्वाले थे वो लोग आपस में बैठ के विचार करते हैं कि भैया जब से लाला भयो है तब से काहू न काहू आपदा विपदा जरूर आवे। तो चलो अब ये जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह चलते हैं। कहां चला जाए? उपनंद ने बताया कि वृंदावन चलिए, चलिए सब वृंदावन चलते हैं। वहां हरी हरी घास है, बड़ा रमणीक स्थान है। वृंदा यानी तुलसी, तुलसी के वन, तुलसी पहले हमारे आंगन में तुलसी हुआ करती थी। कहां होती थी? आंगन में। पहले आंगन में तुलसी हुआ करती थी, तभी तो गीत भी आया। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। अब नहीं आता ऐसा गीत क्योंकि अब आंगन में तुलसी जी है ही नहीं। बोलो, अब क्या हुआ? अब तो वीआईपी घर बन गया। माता तुलसी को आर्किटेक्ट ने व्यवस्था बनाई, बाहर रख दो, बाहर कर दो, घर से बाहर हो गई माता तुलसी। ध्यान रखो भक्तों, जब तक मैया तुलसी आंगन में हुआ करती थी घर में रोग नहीं आता था। पीछे पलट के देख लो, विचार कर लेना, जब तक आंगन में माता तुलसी की सेवा होती थी, पूजा होती थी, तब तक हमारे घर में रोग ने प्रवेश नहीं किया था। जब से माता तुलसी को आंगन से बाहर कर दिया गया तब से घर में रोगों की भरमार हो गई, रोग ही रोग आ गए घर में। समय कितना बदलता जा रहा है। बॉम्बे में कथा चल रही थी, एक भगत ने पूछा कि महाराज जी गांव और शहर में कुछ अंतर मालूम पड़ता है आपको? मैंने कहा है, हमारे यहाँ गांव के लोग भिखारियों को भी संत समझते हैं। घर पे कोई भिखारी भी आवे, माता कहती हैं बाबा ये लो, बाबा दो रोटी खा के जाओ। भिखारी को भी माताएं बाबा कहती हैं, संत समझती हैं। गांव का नियम है कि यहाँ भिखारियों को भी संत समझा जाता है और शहरों में संतों को भी लोग भिखारी समझते हैं। बोले और कुछ? हमने कहा एक अंतर और बहुत बड़ा पाया है मैंने। बोले क्या? हमने कहा गांव में गौ माता को घर में पालते हैं, गांव में गौ माता को घर में पालते हैं और कुत्ते रोड पे आवारा घूमते हैं। शहरों में लोग कुत्तों को घर में पालते हैं और गौ माता आवारा घूमती है सड़क पे। ये देखने में मिला। वृंदावन सब के सब जा रहे हैं महाराज बैलगाड़ी पे। सब लोग अपना अपना सामान लाद लिए और सब वृंदावन की ओर जा रहे हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। चलिए हम आप भी वृंदावन चलते हैं, कथा के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से, गुनगुनाते हुए भाव से सब वृंदावन चलते हैं। को सुनने से भी व्यक्ति के पाप का क्षय होता है, पाप नष्ट होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, धर्मशास्त्रों ने एक बात कह दिया कि तीर्थ क्षेत्रों में जाने से तो हमारा पाप नष्ट होता है, तीर्थ क्षेत्रों में जाने से हमारा पाप नष्ट होता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में कोई पाप कर दिया आपने तो वो कभी नष्ट नहीं होता। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज लेपो भविष्यति, वो पाप कभी दूर नहीं होता। मेरा मन पंछी चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं श्री राधे राधे गाऊं।
मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पता में मैं श्री राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे बोलिए मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा राधे। महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम डगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम डगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, ब्रज गलियों में झूम झूम के ओ ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। प्यारे आज भी आप कभी वृंदावन जाके देखे आने का मन नहीं करता, भक्ति प्रधान है वहां, आप जाओगे तो ऐसा मन लग जाएगा कि फिर वहां से आने का मन ही नहीं करता। क्यों? निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं, निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं, राधा संग नाचे सांवरिया ओ हो, राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आऊं, राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, श्री राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, चैन छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर कारी कोयल मन दड़ पाती है, छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर कारी कोयल मन दड़ पाती है, छीन लिया सब तूने मेरा
किया सब तूने मेरा यार कहाँ अब जाऊं छीन लिया सब तूने मेरा यार कहाँ अब जाऊं ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं राधे राधे गाऊं मैं सुन लीजिए कि बंद कर दें हाँ कितने लोग कहते हैं कभी और चलने दें हाथ उठाएं चलने दे चलने दे कलाकार कह रहे हैं महाराज जी अब चलने दे बोलो राधे राधे बहुत कलाकार हैं जो कह रहे हैं कि चलने दे बोलो राधे 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 अघासुर आया बस एक दो प्रसंग ऐसे सुन लीजिए छोटे छोटे हैं शेष तो कल कल भगवान का विवाह होगा जो भगवान के विवाह में नहीं आएगा अगले जन्म उसका भी वो क्या होगा नहीं होगा आप लोग जानो जिसका यही जन्म में नहीं हुआ पहले वो अपना सोचे अब भैया विवाह के नाते दिल्ली बंबई सूरत का टिकट ना कैंसिल कर दीजिएगा आप लोग कहीं टिकट उकट हो बहुत जरूरी काम हो तो निपटा लीजिएगा और घर पे रह के नहीं आएंगे तो सही सही नहीं होगा ये जान लीजिएगा बोलो राधे 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 कितने बच्चों की शादी नहीं हुई अभी ठीक है हो जाएगी घबरावन भगवान कृपा करेंगे होगी शादी के नाम पे छोटे छोटे बच्चे भी खुश हो जाते हैं शादी शब्द ही ऐसा है छोटे छोटे बच्चों से पूछो शादी करोगे कहता हाँ किससे मम्मी से अब उनको क्या पता बोले राधे 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 शादी क्या कहे साहब सच्चर से जितने संबंध हैं बड़े मधुर होते हैं शादी से शुरुआत होती शादी का नाम आते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है शादी के मन करत रहे तब जब देखुआ रहा तब लड़की का नाम शादी अभी ना करब मन में होत रहा जल्दी हो ही जाए बहरे से मर्यादा नहीं है तू आजकल के लड़के तो अपने कह लिए बोलो राधे राधे देखो साक्षर से शादी शुरुआत हुई शादी की खुशी हुई ससुराल सच्चर सास ससुर साला साली और पांडे जी ले सड़ुआई पकड़ के बैठ गए साढ़ू का नाम ना है साढ़ू सड़ुआई समधी समधन मतलब ही जितने संबंध है साक्षर वाले ये बड़े मधुर होते हैं महाराज बोलो राधे 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 सबको आना है कितने लोग बराती बनेंगे कल हाथ उठाएं बराती लोग ठीक ठीक अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा पुरुष की संख्या 10 भी नहीं है माताओं की संख्या 50 का हाथ उठाए माताओं का अरे संभल जाओ आज शादी में आधे से ज्यादा माताएं जाने लगी हैं पुरुषों की संख्या कम हो रही है आप लोग घर आती हैं जो हाथ नहीं उठाए वो घर आती हैं आपने उठाया था क्या हाँ आप हाथ उठाए थे बराती हैं आप डीजे वाले रहेंगे आप बड़ी दुर्दशा होती डीजे वालों की आजकल बोलो राधे 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 लेकिन भगवान के विवाह में है कुछ नहीं है आनंद है बोलो राधे 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 अब भगवान के विवाह में बाराती जो बन रहे हैं पहले वो सोच रहे हैं कितना लड़ाई झगड़ा हुआ था उनके विवाह में भगा के ले आए थे बेचारे लेकिन कल जयमाल से कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होगा बहुत सुंदर भाव
आपको युगल सरकार की झांकी भी देखने को मिलेगी। और जिनका पांव पूजन का भाव बने तो तैयारी से आइएगा ना। रुक्मिणी जी को सजाने का काम माताओं का, जौन लागत हो कुल जानत जात हो। और कृष्ण भगवान के लिए व्यवस्था ये पुरुष भक्त देंगे। आजकल कोई शादी जो है बिना चारपहिया की होती नहीं है। मोटरसाइकिल तो अब तक मिली है कथाओं में, अभी फोर व्हीलर नहीं मिला। अरे आप लोग व्यवस्था ना करने लग जाइएगा कि महाराज जी कहे तो कर दें। हम मजाक कर रहे हैं, अब अगर कर भी देंगे तो हम ना भी नहीं कहेंगे। और बोले राधे राधे। जजमान जी भी एकदम प्रसन्न है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते सब लोग हमेशा हंसते रहो यार। रोना भी कोई जिंदगी है, हमेशा प्रसन्न चित्र। कल सब लोग आना पूरे परिवार के साथ आना। आइए प्रसंग पे चलते हैं। अघासुर आया अजगर के रूप में, विशाल का शरीर है उसका। भगवान 5 वर्ष के हो गए हैं। भगवान बछड़े चराने जाते हैं, छोटे छोटे बछड़े जो होते हैं उनको भगवान गोप ग्वालों के साथ ले जाते हैं। अघासुर अजगर के रूप में आया है, बहुत विशाल शरीर है इसका। अपनी जिह्वा बाहर निकाला है, जीभ बाहर निकाला है, लाल लाल जीभ। गोप ग्वाल घूमते टहलते पहुंच गए वहां बछड़े चराते। तनसखा ने कहा अरे कनुआ, भगवान ने कहा हाँ भैया। अरे देख देख ये तो बड़ी सुंदर गुफा मालूम पड़े भैया, ऐसी गुफा तो कब होना देखे हम, ऐसी गुफा तो कब होना है देखे। अच्छा कन्हैया ने कहा उधर लेकिन मत जाना। बोले लाला हम तो जाएंगे। सारे गोप ग्वाल चढ़ गए उसकी जिह्वा पर, जैसे ये मैट देख रहे हैं लाल लाल, ऐसे उसकी जीभ बाहर थी। और जीभ पे जब पैर रखे तो इनको गुदगुदी होने लगी पैर में। कहे अरे कनुआ भैया तू भी आ जा लाला, बहुत मुलायम सड़क है, ऐसी सड़क तो कबहू ना देखे लाला। मधुमंगल तो उस पर लौटने लगा, बोला ये तो बहुत ही नरम है वो। फिर चढ़ के वो लोग गए, मुंह में घुसे तो दांत दिखाई पड़े थे। श्री दामा ने कहा भैया ई का है। मन सखा ने कहा तू इतना भी ना जाने, गुफा में संत महात्मा बाबा लोग रहते हैं, वो साधना करते हैं, जब वो स्नान के लिए जाते होंगे तो ये उनकी झोली झंडी टांगने वाली खूंटी है, इसमें अपनी झोली झंडी टांग के जाते होंगे। हाँ हाँ तू सही बोले भैया। और अंदर घुसने लगे, भगवान ने रोका मत जाओ। सारे गोप ग्वालों को भरोसा है कन्हैया पे, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो तो क्या कहना, गोप ग्वालों को कन्हैया पे भरोसा है। अंदर घुसे, अघासुर बहुत देर से सांस रोक के बैठा था। अरे कितना देर रोके रहता, धीरे धीरे सांस छोड़ने लगा, अंदर से बदबू आने लगी गर्म हवा। सारे गोप ग्वालों ने नाक बंद कर लिया, भैया ये का रे कैसे बदबू आवे गरम गरम हवा। श्री दामा ने कहा अंदर साधु महात्मा बैठे होंगे। वो जब सांसें छोड़ते होंगे तो गरम गरम सांसें आ रही, हवा गरम गरम लग रही है, चलो अंदर देखें। भगवान ने विचार किया कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक अघासुर मुंह बंद नहीं करेगा। भगवान अंदर प्रवेश किया, अघासुर ने मुंह बंद किया। भगवान ने अपने शरीर को इतना फुलाया कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्णलाल की जय। गोप ग्वालों को बाहर लेके आए, सबको भूख लगी थी, ये वो चलो भैया खा लो। भगवान इतने सरल है, कोई ग्वाला अगर मुंह में निवाला डाल लिया और भगवान की इच्छा हुई तो जाके उसका मुंह दबा देते और उसके मुंह में से जूठन निकाल के खाने लगते। भक्तों के लिए इतने सरल है गोविंद। ब्रह्मदेव ने देखा अरे ये जूठन खा रहा है, मुंह में से निकाल के खा रहा है, ये भगवान थोड़े होगा। ब्रह्मदेव ने किया क्या, बछड़े चुरा ले गए। गोप ग्वाल गए सब बछड़े ढूंढने तो गोप ग्वालों को भी चुरा लिया ब्रह्मदेव ने। भगवान ने ध्यान लगाया तो सब समझ गए कि ओहो ब्रह्मदेव की करतूती है।
आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं ग्वाल वाल बन गए और पहुंचे घर। आज गैया बड़े प्यार से अपने बछड़ों को दूध पिला रही है। कोई कोई गैया लात मार देती थी, दूध नहीं देती थी, लेकिन आज बड़े प्यार से दूध पिला रही है। सब अपने बछड़ों को बहुत चाट रही है, प्यार से प्यार दुलार कर रही है। बलदाऊ भैया ने कन्हैया से कहा, एक अनुआ का बात है रे, आज कैसो बछड़े चराए के ले आए, जे बड़ो प्यार करे गैया, आज तो एक लात ना उठावे। भगवान ने कहा, मोते काय पूछ रहे हो, जाके बछड़न से पूछ लो, जाके गैया मैया से पूछ लो। ये जो गाय है ना, ये भी ऋषि मुनि थे जिन्हें ये भाव था कि भगवान मेरे पुत्र बनते, मैं उन्हें मातृत्व प्यार देता। आज वो गाय बनकर के आए हैं, भगवान को मौका मिला, बछड़े बन के भगवान उनके पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं। बोले संत भगवान की जय हो। एक साल बीत गया, ब्रह्मदेव आए देखने की क्या दशा है, चल के देखूं तो देखे तो वही ग्वाल बाल वही बछड़े। ब्रह्मदेव को चक्कर आने लगे, हैं ये तो हमारे यहां सब कैद हैं, ये यहां कैसे। जब ब्रह्मदेव आए ये देखने की, ये गोप ग्वाल ये बछड़े, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मदेव का रूप बना के पहुंच गए ब्रह्मलोक। द्वारपालों से कहा, आजकल एक नकली ब्रह्मा हमारी ही तरह एकदम रूप बनाए घूम रहा है। द्वारपालों ने कहा, अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर वो नकली ब्रह्मा आए तो धक्के मार के भगा देना। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मदेव के रूप में थे, अंदर गए। अब असली ब्रह्मा आए ये देखने की गोप ग्वाल बछड़े हमारे यहाँ है कि नहीं है। द्वारपालों ने कहा, पक। ब्रह्मदेव ने कहा, ऐसे बात करते हो। द्वारपालों ने कहा, भी बहुत प्रेम से बात कर रहा हूं, नकली ब्रह्मा। ब्रह्मदेव घबराए, मैं नकली ब्रह्मा और नहीं तो क्या, लगता तू बिल्कुल हमारे ब्रह्मदेव की तरह है लेकिन तू नकली है। बोले तो असली कहां है, बोले अंदर है। ब्रह्मदेव समझ गए कि प्रभु की लीला, हाथ जोड़ के बोले, जाके अपने असली ब्रह्मा से कह दो नकली ब्रह्मा दर्शन के लिए आए हैं। द्वारपाल गए अंदर, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मदेव के रूप में बैठे थे। प्रभु नकली ब्रह्मा आया, एकदम असली दिखता है, प्रभु दर्शन करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अंदर भेजो। जब ब्रह्मदेव अंदर आए तो भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए। ब्रह्मदेव गोपाल बछड़े ला करके वापस करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। बोलो कृष्ण का नहीं आला आने की। गोपालों ने एक दिन बलदाऊ भैया से कहा, भैया आप बड़े बलशाली हो, आपको लोग बलराम कहते हैं, बलदाऊ कहते हैं, बल बहुत है, लेकिन कबहू अपने बल को पराक्रम ना दिखायो भैया। बलदाऊ भैया ने कहा, का कहें भैया, अरे कन्हैया कबहू मौके ना देवे, सो तो पहले ही कूद के सब काम कर देवे। गोपगालों ने कहा, भैया एक निवेदन है। बोले का, ताड़ वन में बहुत पके पके मीठे मीठे रसीले फल है। बोले तो भैया खवाए दो ना, उसमें धेनुकासुर नामक राक्षस रहता है गधे के रूप में, वो खाने नहीं देता। अच्छा रुको, चलो। बलदाऊ भैया सारे गोप ग्वालन को लेके पहुंच गए महाराज ताड़बन। गोप ग्वाले पेड़ दिखाते, भैया या को फल बड़ो मीठो होएगो। बलदाऊ भैया नीचे से ही ऐसे पेड़ पकड़ के हिला देते, सारे फल तड़ातड़ गिर पड़ते नीचे। गोप ग्वाल खाते और कहते, बलदाऊ भैया की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। अब बलदाऊ भैया फूले नहीं समाते, तब तक धेनु का असुर जो गधे के रूप में था आया, और जानते हैं गधा दुलत्ती मारता है, जैसे ही मारने चला बलदाऊ भैया पीछे से दोनों पैर पकड़े उसका, यूं नचाए दुई बार उठा कर पटक दिए, उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। अब बलदाऊ भैया घर आए। आज बलदाऊ भैया ने सोचा कि आज तो रोहिणी मैया जसोदा मैया मेरी खूब प्रशंसा करेंगे, मैंने राक्षस मारा। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, बोले मैया, ओ मैया। बोली का, अरे मैया आज बलदाऊ भैया ने ऐसो काम कियो, मैया का बताऊं। बलदाऊ भैया कब जीनो भूल रहा हूं, कहा क्यों बलदाऊ भैया ने, भैया बताए दे उनका। अरे बता दे लाला बता दे।
बताए दो बताए दे। भगवान हंसने लगे, बोले मैया मोको बतावे मैं भी हंसी आवे रे। अब दोनों मैया हंसने लगी, काला ला इस का बात है कि तुको हंसी आवे। मैया बताए दू, बलदाऊ ने कहा बता ना। ए मैया आज बलदाऊ भैया ने गधा मार दियो, गधा मार। अब बलदाऊ भैया एकदम लाल पीले होने लगे, ए करू करू मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। मैं नहीं, यशोदा मैया ने कहा वैसे भी तो को कल ना जानो है, कल तेरा जन्मदिन है, कल तेरा जन्मदिन है लाला, कल ना जानो है प्यारे। चलो शेष चर्चाएं हम लोग कल सुनेंगे, भगवान की और भी अद्भुत लीलाएं हैं। आज इतना ही होगा, ठीक है? शेष चर्चा कल, और कल विवाह में सबको सब परिवार आना है। भगवान जीवन में सबके मंगल करें, खूब आनंद। मुहूर्त भी अच्छा है विवाह का ना, कल कल मुहूर्त भी बहुत अच्छा है विवाह का ना हो। राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चिल भर पानी में, ताली भी होते बस जा रे चिल भर पानी में, आहा तू डूब के मर जा रे चिल भर पानी में। जय जय ताली की सेवा सब पर भासे। काला यो हाथी में मिल जाए गो माटी में, काला यो हाथी में मिल जाए गो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, पानी को बबूला है पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, हा 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 के भर जा रे चुल्लू भर पानी। क्या बात है, सब बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मर घट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मर घट में डेरा, कछ कमाए के ले जा रे कछ कमाए के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में कछ कमाए के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू रूह
गिर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। ठाकुर जी की आरती सब लोग भाव। जगमग ज्योति जली है कन्हैया जी की आरती होने लगी है, जगमग ज्योति जली है कन्हैया जी की आरती होने लगी है, नाच रहे देखो भक्त सभी है, नाच रहे देखो भक्त सभी है, चार दिशाएं नाचती उतारो आरती, कन्हैया जी की आरती सबको है पाप से ये तारती, अरे हाँ हाँ उतारो आरती, कन्हैया जी की आरती सबको है पाप से ये तारती। श्याम जी की महिमा सबसे निराली है, आया जो भी द्वारे गया नहीं खाली है, श्याम जी की महिमा सबसे निराली है, आया जो द्वारे गया नहीं खाली है, श्याम जी की आरती तारने वाली है, श्याम जी की आरती तारने वाली है, सबकी कष्ट है तारती उतारो आरती, श्याम जी की आरती सबको है पाप से ये तारती, अरे हाँ हाँ उतारो आरती, कन्हैया जी की आरती सबको है पाप से ये तारती। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जा रे, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जा रे, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जा रे, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जा रे, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोलना जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सब लोग बोलेंगे हमको सुनना है, जब से तेरी शरण में आया बड़ा अनोखा आनंद पाया है, जब से तेरी शरण में आया बड़ा अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जा रे, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। Thank you.
बंधु दीना नाथ, दीन बंधु दीना नाथ, पकड़ के रखना मेरा हाथ, पकड़ के रखना मेरा हाथ, दीन बंधु दीना नाथ, पकड़ के रखना मेरा हाथ, आया शरण तुम्हारी ही, आया शरण तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, आया शरण तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आप लोग शर्म क्यों करते हैं भैया, भगवान का नाम लेने में काहे शर्म करते हैं? अरे जीने किया शर्म वाके फूटे, लेते जाना ना शर्माना, भूल न जाना, बोल बकरी हरिलाल की, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना ना शर्माना, भूल न जाना रे, लेते जाना ना शर्माना, भूल न जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा घोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, राम नाम की लूट है जय जय, अरे लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाए है, इसीलिए तो कहता हूँ प्यारे, लेते जाना ना शर्माना, भूल न जाना रे, शर्माना भूल जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, इस घोड़े ने किसी को नहीं छोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्र हार सदा वसंतम हृदय अरविंद भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रौढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नीराजनम समर्पयामि, आराधिक्यम समर्पयामि, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, जदने नजनामाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनोकं महिमानः सजन्ता जद्रपूर्वे साध्याः संति देवाः मे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम गोपालाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम राधिकायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। अब तत्त्वं न जानि बोले बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, काशी विश्वनाथ धाम की जय,
श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आवाहित सभी देवी देवताओं की जय, बोलिए भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, जय जय सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय श्री राधे। आप लोग यथोचित स्थान लेके बैठ जाएं। सतबार बंधन है मेरे गुरुदेव है स्वामी, सतबार बंधन है मेरे गुरुदेव। तू करुणा और दया के सिंधु हो, मैं पाप की भारी, तुझे सतबार बंधन है मेरे गुरुदेव हे स्वामी। तू करुणा दया के सिंधु हो, मैं पाप की भारी, तुझे सतबार बंधन है गुरु। तुम सिद्ध पितु माता सखा है बाल बतधारी, गुरु तुम सिद्ध पितु माता सखा है बाल व्रतधारी, सगुण रूप ब्रह्मसा हो तुम कुटिल, मैं हूँ महाकामी, तुझे सतबार बंधन है हे स्वामी, तुझे सतबार बंधन है मेरे गुरुदेव हे स्वामी। मेरे गुरुदेव हे तुम आए मत भुला